वाले तुमको लाखों पर
भक्तों के रखवाले तुमको राखूं प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजे, किंकर जानी कर कृपा कीजे। दर्शन अपना हरदम दीजे, यम त्रास मिटाने वाले तुमको राखूं प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चियों बच्चियों, गुरु महाराज की दया मेहर हुई और आज 31 दिसंबर 2019 को उज्जैन आश्रम पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई कि आपको गृहस्थी के नाना जंजाल से निकाल करके थोड़े समय के लिए यहाँ पर लाए। ये गृहस्थी ये क्या है? जंजाल कहा गया इसको, इसमें फंसाव है। गृहस्थ आश्रम इतना अच्छा आश्रम कोई है ही नहीं, लेकिन जब उसमें फंसा न जाए, रहा जाए उसी में लेकिन फंसा न जाए। भगवान ने भोग किसके लिए बनाया? भोगने के लिए बनाया, लेकिन फंसने के लिए नहीं। इस वक्त पर देखो लोग फंस रहे हैं उसी तरह से जैसे बंदर फंस जाता है। बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं? पतले मुँह का घड़ा बनाते हैं और उसके अंदर चना डाल देते हैं। चना डाल करके ले गए, जहाँ पर बंदर रहता है वहाँ पर घड़ा रख देते हैं, थोड़ा सा चना ऐसे बिखेर देते हैं, तो बंदर जाता है, बिखरे हुए चने को उठा उठा करके खाता है और उसके बाद घड़े के अंदर देखता है। जब उसके अंदर देखता है चना अंदर पड़ा हुआ है तो हाथ डाल देता है और मुट्ठी में पकड़ता है चने को, पकड़ करके निकालने की कोशिश करता है। जब हाथ डाला था तब तो पतला था, अब मुट्ठी में जब चना आ गया मोटा हो गया
तो घड़े के मुंह से निकलता नहीं है, दर्द करता है निकालने में, छू 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 की आवाज़ करता है, चना नहीं छोड़ता है। चना अगर छोड़ दे तो हाथ आराम से निकल आवे, लेकिन लालच चने को नहीं छोड़ने देती है, लोभ चने को नहीं छोड़ने देता है। अब आप ये समझो, गृहस्थ आश्रम में भी यानी इसी तरह से है लोगों के लिए। अगर गृहस्थ आश्रम को थोड़े समय के लिए छोड़ करके और असली काम में अपने लग जाएं, तो गृहस्थी भी चलती रहती है। अब असला काम क्या है और नकेला काम क्या है, ये जो दुनिया जिनको इन आँखों से आप देखते हो, यह नकल है, नकली चीज किसी के काम नहीं आती। आप देखो, जब समय पूरा हो जाता है तो इन आँखों से जो चीज़ें आप देखते हो, ये कोई काम आपके आती हैं? बल्कि आखिरी वक्त पर जब शरीर छोड़ने को होता है तो उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। जब समय पूरा होने को होता है, बुढ़ापा आने को होता है, तभी से एक तरह से दुनिया की चीज़ों से मोह भंग होने लगता है। अब आप ये समझो, अगर ये अपनी होती दुनिया तो दुनिया छोड़ करके लोग क्यों जाते? एक से एक राजा महाराजा हुए, एक से एक सेठ साहूकार हुए, पंडित मुल्ला पुजारी हुए, राम जैसे भगवान, कृष्ण जैसे भगवान हुए, लेकिन मनुष्य शरीर में होने के कारण वो यहाँ रह पाए? उनको भी छोड़ करके जाना पड़ा। तो ये काम आदमी जो कर रहा है, दुनिया का धन दौलत मान प्रतिष्ठा जो इकट्ठा करने में लगा हुआ है, ये उसके कोई काम आने वाला नहीं है। काम क्या आएगा? काम वो आएगा जो असला काम इस शरीर से करेगा। असला काम क्या है? असला काम यह है कि शरीर के रहते रहते इस जीवात्मा को जिसकी ये अंश है, यानी उस परमात्मा के पास पहुंचा देना। आप ये समझ लो कि शरीर के रहते रहते यानी ये जो परमात्मा की बूंद की तरह से है, इस बूंद को उस समुद्र में विलीन कर देना। अभी आप ये समझो कि पानी की बूंद, एक बूंद कहीं डालते हो तो वो यानी वहीं पर रह जाती है, लेकिन यही बूंद आप समझो समुद्र में जब पहुंचती है तो उसका पावर बढ़ जाता है। तो ऐसे ही आप ये समझो, ये जीवात्मा है, ये परमात्मा की अंश है, ये यहाँ आकर के फंस गई। आप समझो कहाँ करके फंस गई? इस मृत्युलोक में। मृत्युलोक किसको कहते हैं? जहाँ से एक दिन बाहर जाना होता है, जिस जगह को खाली करना होता है, यानी वो मृत्युलोक कहलाता है। माँ के पेट में बच्चा जब बनता है, जन्म अष्टपरिणामी वृद्धिशील ये शक्तियाँ हैं, ये बच्चों को बना के तैयार करती हैं। जन्म शक्ति का काम क्या है? रज और बीज को मिला देना। अष्ट का काम क्या है? उसके हिस्से अलग कर देना। परिणामी शक्ति का काम क्या है? उसके ऊपर आवरण पर्दा लगा देना, झिल्ली लगा देना। और वृद्ध शक्ति का काम क्या है? उस पिंड को बढ़ा देना। शिर शक्ति का काम क्या है? अंग बना देना। और मृत्यु शक्ति का काम क्या है? माँ के पेट से बच्चे को बाहर निकाल देना। अब यह शक्तियाँ माँ के पेट में अगर जितनी ज़रूरत है उतनी ही अगर रहती हैं तो बच्चा ठीक ठाक बन करके निकल जाता है। और अगर इसमें कोई कमी आ गई या कोई शक्ति ज़्यादा हो गई तो एक उंगली छोटी हो जाती,
किसी के 6 उंगली हाथ में, 1 हाथ में हो जाती है, 22 22 उंगलियाँ चारों में हो जाती हैं। आप समझो कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा पैदा हो जाता है, कोई बुद्धिहीन पैदा हो जाता है। बुद्धिहीन किसको कहते हैं? इसका दिमाग ना काम करता हो। एक ही माँ बाप के 2 बेटा, कहते एक बड़ा बुद्धिमान है और दूसरे को कहते कि ये बुद्धिहीन है। एक ही रजवेश से एक ही माँ के पेट में दोनों बने पले, लेकिन एक बुद्धिमान और एक बुद्धिहीन। तो ये किस पर निर्भर करता है? माँ के खान पान, चाल चलन, विचार भावना पर। खान पान किसको कहते हैं? शुद्ध सात्विक भोजन जो खाती हैं और चरित्रवान रहती हैं। काय वचन मन पट पट प्रेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा, यानी अपने पति परमेश्वर, पति को ही परमेश्वर मान करके और उन्हीं के आदेश के अनुसार चलती हैं, उन्हीं को मानती हैं। आप ये समझो वो माताएं कि जो सत्य बोलती हैं और जो सेवा भाव रखती हैं, परोपकार एक दूसरे की मदद करती हैं, हिंसा हत्या से दूर रहती हैं, जिनके अंदर दया भाव रहता है, सुमिरन ध्यान भजन करती रहती हैं, भगवान को मानती और भगवान को याद करती रहती हैं, उनके बच्चे अच्छे से नेक बुद्धिमान पैदा हो जाते हैं। तो यह शक्ति जो माँ के पेट से बच्चे को बाहर निकालती है वो मृत्यु शक्ति कहलाती है। तो मृत्यु माने होता है बाहर, तो इस मृत्यु लोक से सबको बाहर जाना होता है। अब आप ये समझो ये मनुष्य शरीर इस काम के लिए दिया, उस मालिक परमात्मा ने दिया कि जाओ तुम, आने समझो कि मृत्यु लोक में रहना और हाथ से अच्छा काम करना, पैर से अच्छा काम करना, आँख से अच्छा देखना, कान से अच्छा सुनना, इन चीज़ों की जानकारी के लिए संत महात्माओं के पास में जाना, सत्संग सुनना, तो अच्छे बुरे की जानकारी तुमको हो जाएगी। तो इस शरीर से अच्छा काम करना, और यह मानो यानी मंदिर है, इसको साफ सुथरा रखना, इसको गंदा मत करना। इसको अगर गंदा कर लोगे तो तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। ये इस हिसाब से यानी बच्चे को यानी माँ के पेट में बनाया जाता है कि इसी के अंदर मालिक के प्राप्त करने का रास्ता रहता है। अब यह है कि अगर यानी सत्संग नहीं मिला, जानकारी नहीं हो पाई, तो यह शरीर विषय वासनाओं में ही अन्य बेकार का चला जाता है, समय निकल जाता है। हर आदमी का समय निश्चित है। आप ये समझो सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है और उसका सब सिस्टम है। जैसे किसी महीने में अन्य समझो कि दिन बड़ा होता है, किसी में रात बड़ी होती है। जैसे ये ऋतुएं आती हैं ऐसे ही आदमी के उम्र का हिसाब रहता है। अब ये जरूर है कि जिस तरह से अन्य समझ लो कि कहीं कहीं पर यानी इसी मौसम में अन्य समझ लो कि रात, अब जैसे 25 तारीख से यानी समझो दिन बड़ा होने लग गया 25 दिसंबर से, लेकिन कहीं छोटा भी होता है, कहीं ऐसा भी होता है कि 3 ही घंटे की रात होती है, बराबर उजाला ही उजाला रहता है। आप देखो लंदन में वहाँ बताया लोगों ने कि 10 बजे रात तक उजाला रहता है किसी किसी महीने में। तो ऐसे ही आप ये समझो आदमी का यानी समय परिस्थिति के अनुसार उम्र में घटाव बढ़ाव तो होता है, लेकिन दिया जाता है उसको एक हिसाब से ही। अब उम्र कम और ज़्यादा कैसे होती है? कोई 90 साल जिंदा रहता है, कोई 80 साल जिंदा रहता है, कोई 40-45 में चला जाता है, कोई 18-20 साल में ही चला जाता है। उम्र को
जो अपने हिसाब से जैसा खर्चा करता है उसकी उसी हिसाब से उम्र होती है। बैठे 12, चले 18, सोए से 36, और रत क्रिया से दूनी हो गई। कह गए कब जगदीश, बैठने पर कम खर्चा होता है, चलने पर ज़्यादा होता है, सोने पर उससे भी ज़्यादा होता है, और भोग में बिताने से सबसे ज़्यादा होता है, 4 गुना। बैठने से 4 गुना ज़्यादा भोग में खर्च होता है श्वास। अब श्वास की पूंजी को जो जैसा चाहे खर्च कर ले। पहले के समय में योग साधना लोग करते थे, तो योगों में क्या करते थे, प्राणायाम करते थे, प्राणों को खींचते थे, और प्राण के साथ यानी समझो कि ये सुरति भी खींचती थी, जीवात्मा भी ऊपर जाती थी, तो उससे श्वास बचे रहते थे। इस समय पर कलयुग में प्राणायाम हो नहीं सकता, क्योंकि उतनी उम्र नहीं है आदमी की, अष्टांग योग हठ योग का समय नहीं रहा, कुंडलिनियों को जगाने का समय नहीं रहा, इसलिए आँखों के नीचे की साधना को संतों ने खत्म किया, और आँखी मध्य पाँखी चमके, और पाँखी मध्य द्वारा ते द्वारे दूरबीन लगावे उतर भव जल पारा, यानी आँखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ उसको बताया। उसमें भी ऐसे ही होता है, जीवात्मा निकाली जाती है, निकल जाती है जब ऊपर, शरीर तो दिखाई पड़ता है कि देखो ये हमारा शरीर बैठा हुआ है ऊपर से, आइए कोई लेटे लेटे ध्यान लगा रहा है तो देखता है ऊपर से कि देखो वो शरीर पड़ा हुआ है, दिखाई पड़ता है। आप ये समझो कि जीवात्मा जब निकलती है, यानी दो हालत में है, एक तो साधना के समय ध्यान लगाने में, और एक जब उम्र पूरी हो जाती है, श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है तब निकलती है। तो जब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है तब प्राण भी निकल जाते हैं। प्राण 10 प्रकार के होते हैं, प्राण अपान व्यान देवदत्त धनंजय कुरुम कृकर शेष, ये सब प्राण हैं। प्राण क्या होता है, वायु होती है, हवा, यह हवा है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये सब हवा बनाया, ये इसका रंग है, हवा का रंग हरा है, आप देख नहीं सकते हो इसको, जैसे आकाश का रंग तो दिखाई पड़ता है नीला, धरती का रंग पीला है, कहीं कहीं दिखाई पड़ता है पीला, सब जगह तो नहीं, ऐसे हवा का रंग हरा है। तो अब आप ये समझो कि हवा, अन्य समझ लो कि अन्य यह प्राण हवा ही है, जैसे ऐसे ऐसे धौकनी चलती है तेज, अन्य समझो जब श्वास बहुत तेज चलने लगता है तो समझो कि कहते हैं कि अब बहुत तेज श्वास चलने लगा, अब ये लगता है कि जाएंगे दुनिया संसार से, तो यह हवा है, यह प्राण है। नीचे की हवा खारिज होती है तो वो भी एक वायु है, डकार आता है वो भी एक वायु है, आप देखो ऐसे प्राण हैं, और ऐसे मन चित्त और बुद्धि है, मन चित्त बुद्धि अहंकार ये चतुर अंतःकरण है। तो आप ये समझो चित्त जो है यह नहीं निकलता है साधना के समय में, चित्त लगा रहता है, कहाँ लगा रहता है, उसी जीवात्मा में, और चित्त जब लगा रहता है, और प्राण जब ये नीचे 5 तरह के रहते हैं, 5 प्रकार के प्राण नीचे होते हैं और 5 प्रकार के ऊपर प्राण होते हैं, तो जब साधना करता है, सुरत शब्द योग की साधना जो बताई जाती है, सुरत को शब्द के साथ जोड़ने का जब अभ्यास करता है साधक, और ऊपर अन्य जीवात्मा जाती है, तो चित्त चिंतन करता रहता है कि यह कहीं निकल न जाए, चल न जाए, तो वो खींच लेता है, ये प्राण खींच लेते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर प्राण एकदम से निकल जाते हैं। अब आदमी का काम अगर पूरा ना हो तो उसको अपने सांसों की पूंजी को यानी आप समझ लो कि बचाना चाहिए। ये जो क्रिया बताई जाती है, प्रेमियों जो आपको नाम दान दिया गया, जिनको नहीं मिला नए लोग आए हो, आज दिया जाएगा, ये नामदान लेने के बाद इसको करने की यानी सूरत को इस जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ने की कोई उम्र नहीं होती है, आयु नहीं होती है, छोटी उम्र में ही यानी समझो यह साधना की जा सकती है, उसमें आदमी पारंगत हो सकता है।
निजामुद्दीन औलिया एक फकीर थे, हिंदू धर्म के मानने वालों में भी फकीर हुए, पूरे फकीर हुए, यानी आप जो समझो पूरे संत जिनको कहा गया, सदगुरु जिनको कहा गया, इसमें भी हुए। सिख में यानी समझो कि नानक देव जी वगैरह ये पूरे संत हुए। संत एक गति होती है, इसको ये मालूम हो जाए कि दुनिया नासवान है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी, जिसको ये मालूम हो जाए यानी कि ये बाहरी आँखों से देखने वाली चीज़ अपनी कुछ नहीं है, ये एक दिन छूट जाएगी, उसको मुनि कहते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुँच जाते हैं, स्वर्ग वैकुंठ में पहुँच जाते हैं, उनको देवर्ष कहते हैं। देव ऋषि जैसे नारद थे, मनुष्य शरीर में रहते थे लेकिन चले जाते थे स्वर्ग वैकुंठ, और उनका ब्रह्मा विष्णु महेश से सबसे मिल करके और फिर चले आते थे। यहाँ का कोई संदेश प्रजा का होता तो वहाँ पहुँचा देते, और उनसे पूछ करके सवाल करके जवाब लेकर आता करके बता देते थे। एक तरह से जैसे डाकिया होता है, पोस्टमैन जिसको कहते हो, ऐसे वो काम करते थे। उनके दिव्य दृष्टि खुली हुई थी, वो दिव्य दृष्टि आपके पास भी है, आपको नहीं दिखाई पड़ता, उससे तीसरी आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, कर्मों के पर्दे लगे हुए खुल जाए तो अभी आपको भी दिखाई पड़ने लग जाए, आप भी आने जाने लग जाओ। तो जो स्वर्ग और वैकुंठ तक पहुँच जाते हैं उनको देवर्ष कहते हैं, उसके आगे योगी, योगेश्वर, साध और संत, परम संत। तो जो वहाँ तक पहुँच जाते हैं उस मालिक तक, कुल मालिक का दीदार कर लेते हैं, वो जिस धर्म के मानने वाले लोगों के बीच में जन्म लेते हैं वो लोग उनका उसी तरह का नाम रख देते हैं। तो उसमें कई फकीर ऐसे हुए, तो एक फरीद हुए, फकीर हुए। तो फरीद यानी समझो कि शुरू में ही फकीर नहीं थे, पूरे फकीर नहीं थे, लेकिन संस्कार होता है इनका, चाहे संत कहलाए, चाहे महात्मा कहलाए, चाहे फकीर कहलाए, चाहे समर्थ गुरु कहलाए, चाहे सदगुरु कहलाए, इनके अलग संस्कार होते हैं। संस्कार कर्म के अनुसार आते हैं, पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उसी के अनुसार उनका संस्कार बनता है। माता पिता परिवार वालों से भी संस्कार बनता है। तो आप इस बात को समझो कि इस तरह के उनके संस्कार होते हैं कि वो मौजूदा यानी गुरु या फकीर जो होते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं। पैदा तो होते हैं माँ के पेट में ही पल करके, मनुष्य शरीर में ही इसी धरती पर रहते हैं, यहीं कान खाते आसमान के नीचे रहते हैं, लेकिन उनकी विचार और भावनाएं और बुद्धि अलग होती है। जैसे अवतारिक शक्तियों में राम हुए तो आप देखो कहा ना कि अल्पकार विद्या सब पाई और गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल मैंने बहुत कम समय में, थोड़े समय में ही बहुत ज़्यादा ज्ञान उनको मिल गया। यानी आप समझो राजेश तपस्वी संतुष्टा सत्यवादी जितेंद्रिय दाता सूर दयालुष्या वेद पाठिए थे नौ गुणा, कुछ ही समय में नौ गुणों से लैस हो गए थे, गुरु ने उनको बिल्कुल पारंगत कर दिया था। आप उस बात को समझो तो ऐसे ही बुद्धि तेज होती पहुँच जाते हैं, और पहुँच करके और उनसे रास्ता ले करके और अपनी आत्मा को जगा लेते हैं। अब ये दोनों पर निर्भर करता है, यानी उस वक्त के संत पर भी निर्भर करता है और इन पर भी निर्भर करता है। आप ये समझो कि जैसे यहाँ पर देश है, आपका भारत देश है, नेपाल है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, आपका इंग्लैंड हॉलैंड है, अमेरिका है, फ्रांस है, जैसे ये देश हैं, ऐसे ऊपर में भी देश हैं, यहाँ भी ऊंचाई और नीचाई है। आप समझो अमेरिका वगैरह यहाँ से बहुत नीचा है। तो ऐसे ही वो देश हैं ऊंचे नीचे, और ये सब यानी आप ये समझ लो कि ऊपर में भी वो देश हैं। तो अब आप ये समझो कि जो जहाँ से आई हुई आत्मा होती है यानी समझो उसी तरह से उसका संस्कार होता है। पूरे कोई पाप कोई करता है तो नर्क जाना पड़ता है, मार पड़ती है, काटे सड़ाए गलाए तो पाए जाते हैं, और पुण्य जो करते हैं वो स्वर्ग और वैकुंठ में जाते हैं।
लेकिन पुण्य छेड़े मृत्युलोक के, पुण्य जब छेल हो जाता है तब मृत्युलोक में फिर यहीं वापस भेजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ता मनुष्य शरीर में ही है, पांच तत्वों के शरीर में ही है, पार होने का, जीवात्मा के कल्याण का। 17 तत्वों के लिंग शरीर में जो देवता स्वर्ग और वैकुंठ में रहते हैं उनके अंदर रास्ता नहीं है। साधना का घर, पूजा का मंदिर यही है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कहा न गोस्वामी जी ने, पाए न जब पर लोक संवारा, तो यह साधना का घर है तो भेजे यहीं जाते हैं। अब जैसा उनका संस्कार होता है उसी हिसाब से वो जल्दी से सदगुरु को पा लेते हैं। कभी ऐसा भी होता है जो 16 सुत सतपुरुष के हैं और अपने अपने देशों में वो रहते हैं, यानी समझो ये धरती, जब धरती पर रहते हैं, जीव रहते हैं, धरती चलती रहती है, तो उनके सामने जो पड़ जाते हैं उनकी परछाई पड़ जाती है, उनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसके भी संस्कार बन जाते हैं, तो उनको भी जल्दी से सदगुरु मिल जाते हैं। अब ये है कि मिल गए, और मिलने से नहीं होता है, दोनों के ऊपर निर्भर करता है। मास्टर बहुत काबिल हो और लड़का न काबिल बनना चाहे तो जल्दी नहीं सीख पाता है, और दोनों एक तरह के होते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं। तो मुसलमानों में निजामुद्दीन औलिया हुए, फरीद को थोड़ी बहुत जानकारी हुई, संस्कार के अनुसार होती है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो धार्मिक घरों में जन्म लेते हैं वहाँ का वातावरण धार्मिक रहता है, कुछ ऐसे होते हैं दुष्टों के यहाँ जन्म ले लेते हैं, तो दया जब हो जाती है तो दुष्टों का भी उद्धार हो जाता है, लेकिन संस्कार जिनके रहते हैं वो चीज़ वो जल्दी पकड़ते हैं। तो संस्कार तो उनका बना, तो खोज में वो निकले कि असली चीज़ क्या है। बाकी तो दुनिया की चीज़ें ये सब एक तरह से नकल हैं, लेकिन असली चीज़ हमको कहाँ से मिलेगी कि जिससे हमारा लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। लोक बनाने का काम तो लोग कर देते हैं, करवा लेते हैं, कर लेते हैं, धन में बढ़ोतरी, पुत्र में बढ़ोतरी, मान प्रतिष्ठा, ये चीज़ें देने वाले तो यहाँ बहुत लोग हैं। आप समझो इसको लेने वाले भी बहुत लोग हैं, आप समझो कि दुनिया की चीज़ों को मांगने वाले और दुनिया की चीज़ों को देने वाले, चमत्कार दिखाने वाले, ये तो बहुत हैं, लेकिन दुनिया बनाने वाले को पाने वाले कम हैं, और उनको दीदार कराने वाले भी कम हैं, उनकी इच्छा भी रखने वाले यानी कम ही हैं। अब आप समझो दुनिया बनाने वाला अगर मिल गया तो दुनिया की चीज़ों के लिए फिर एक एक चीज़ के लिए तरसना मांगना नहीं पड़ेगा, पापी पेट के लिए गुनाह करने ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक निशाना न बना करके तरह तरह के निशाने जगह जगह पर लोग बना लेते हैं तो असली चीज़ से दूर हटते जाते हैं। लेकिन जब वही कोई चीज़ मिल जाती है, जब वही कोई ज्ञान मिल जाता है, तो आप ये समझो कि यानी उसमें आदमी लग जाता है। हमारे गुरु महाराज जी जिनकी तस्वीर है, ये भी बहुत भटके, भगवान के मिलने के रास्ते को पाने के लिए बहुत भटके। यहाँ कहीं भी खबर लगी कि यहाँ से रास्ता, वो असली रास्ता मिल सकता है, वहीं गए, खूब सेवा किया लोगों की, क्योंकि सेवा के द्वारा ही किसी को खुश किया जा सकता है, और खुश जब हो जाता है तो उससे कोई चीज़ ले ली जा सकती है। लेकिन जिसके पास जितनी जानकारी थी जो था वही दिया, असली चीज़ नहीं मिली। लेकिन कुछ दिन पहले यानी जो हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज थे, उनके मिलने से कुछ दिन पहले एक त्रिकाल ऋषि मिले थे। त्रिकाल ऋषि किसको कहते हैं? वर्तमान जो इस समय पर है इसको भी देखते हैं, भूत जो पहले हो गया उसको भी देखते हैं, आने वाले समय को भी देखते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य देखते हैं, वो त्रिकालदर्शी होते हैं। तो त्रिकालदर्शी मिले तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमको जिस चीज़ की तलाश है वो चीज़ मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो इल्म देने वाले तुमको मिल जाएंगे।
अब इनको आशा बन गई और ये निकल पड़े। ऐसे ही फरीद को भी आशा बनी कहीं से और वो पहुँचे निजामुद्दीन औलिया के पास। तो एक सूखे पेड़ की ओट लगाए हुए ऐसे बैठे हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि इनको लोग फकीर कहते हैं और ये फकीर हैं और ये सूखा पेड़ के सहारे बैठे हुए हैं। सूखी चीज़ को, सूखे पेड़ को लोग अच्छा नहीं मानते हैं। तो कहे सूखा पेड़ के सहारे बैठे हुए इनको तो बढ़िया हरा भरा पेड़ के नीचे बैठना चाहिए। मन में शंका हुई तो उन्होंने क्या किया कि उसको अपनी योग शक्ति के द्वारा पेड़ को हरा कर दिया। और जब हरा कर दिया फरीद ने, तब फिर उन्होंने देखा कि पेड़ तो हरा हो गया और सामने जो खड़ा है उसने हरा किया। फिर उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा उसको फिर सूखवा दिया। अब फिर जब सूख गया तो उन्होंने फिर अपनी शक्ति के द्वारा हरा कर दिया। और जब हरा हो गया तब फिर उन्होंने सूखवा दिया। और जब सूख गया पेड़ तब निजामुद्दीन ने कहा कि तू मनमुखी है, तेरा मन अभी साफ नहीं हुआ है और तू जिस काम के लिए यहाँ आया था मेरे पास वो देने के लायक तू नहीं है। अब तू जा दिल्ली, दिल्ली में रहते थे कुतुब आने समय लो, वो फिर फकीर हुए, कुतुब मीनार इनके नाम से आ जाए, तो कुतुब के पास तुम जाओ और वो तुम्हारे मन के मुताबिक तुमको दीक्षा देंगे, उपदेश देंगे, उनके पास जाओ। गए तो वो बहुत कम उम्र के थे और लड़कों के बीच में खेल रहे थे, तो पता लगाते हुए पहुँचे, पूछा तो कहा हाँ कुतुब इन्हीं का नाम है। तो फिर उनको शंका हो गई, इसके पास क्या इल्म होगा, ये क्या देगा। जब शंका हो गई तो जब इच्छा लेकर के कोई आता है कोई चीज़ की, तो जो फकीर होते हैं फकीर गति को संत गति को प्राप्त होते हैं, उनकी इच्छा वो पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी काम के लिए धरती पर भेजे जाते हैं। परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, वृक्ष कबों ने फल बकर नदी ने संचय नीर। नदी पानी अपना स्वयं नहीं पीती है, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है, दूसरों को खिलाता है, नदी अपना पानी दूसरे को पिलाती है। ऐसे ही संत होते हैं दूसरों के लिए। और तन धन धाम बाम सुत जाई और तजिय नता है शरण जो आई। जो आ जाता है कोई चीज़ की इच्छा रखता है तो उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। यह क्या है, ये समझ लो कि इस धरती का गृहस्थ का एक तरह से धर्म है। तो उन्होंने कहा भाई ये अधूरा चला जाएगा, इसको विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक ये कुछ करेगा नहीं और ना ये लेगा, नामदान लेगा ही नहीं है तो चला जाएगा। तब ऐसे बोले अच्छा ठहरो, हाथ हिलाया, इनके मन की बात को समझ गए वो। कहा ना संतन देखें चाल कुचाल और वो परखें अंतर का हाल, अंतर के जीवात्माओं को जो देखते हैं उनके मन की बात को समझ जाते हैं। जब ये हुआ कि भेजे गए हैं ये और इनकी इच्छा है नामदान लेने की, इल्म लेने की, तो घर में गए और मुश्किल से एक डेढ़ मिनट में लंबी लंबी पकी हुई दाढ़ी, बड़े बड़े बाल पके हुए, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई, आकर के सामने खड़े हो गए। बोले अब यकीन करेगा तू, अब मेरी ज़ईफ़ी पर, अब मेरी बुजुर्गी पर, अब तो तू यकीन करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी उम्र में कोई ये प्राप्त कर सकता है दौलत। कौन सी दौलत? आत्मिक दौलत। जहाँ दुनिया की सारी दौलत ख़त्म हो जाती है वहाँ आत्मिक दौलत की शुरुआत होती है। जहाँ दुनिया की सारी विद्या ख़त्म हो जाती है वहाँ आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत होती है। तो आप इस बात को समझो कि उसी आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान करने के लिए, आप ये समझो कि उसी के लिए यह मनुष्य शरीर हमको आपको उस मालिक परमात्मा ने दिया। आपको ये नहीं पता है कि दिन रात आते हैं और ये चूहे की तरह से उम्र को काट के ख़त्म कर दे रहे हैं। उम्र ख़त्म होती जा रही है,
इस चीज़ का भान ज्ञान नहीं है। इसी चीज़ का भान ज्ञान रखने की ज़रूरत है कि मौत हमारे सामने खड़ी है, पता नहीं कब आ जाए। तो जिस काम के लिए हम मनुष्य शरीर माँ के पेट में मांगे, जब तकलीफ में थे, उल्टे टंगे हुए थे, मांस लोथड़े मुँह के सामने खून था, माँ के पेट की गंदगी अन्य नाकों में भर रही थी, बदबू आ रही थी, दिन रात प्रार्थना करते रहे, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, तो भजन करना चाहिए, आप समझो वो रास्ता लेना चाहिए, और मिल गया तो उस रास्ते पर चलना चाहिए, अपनी जीवात्मा का कल्याण करना चाहिए। अब जीवात्मा क्या है? जो एकदम नए लोग आज आप आए हो, आपको बताना जरूरी है, यह है परमात्मा की अंश। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है, तभी उसमें डाल दी जाती है, उसी समय से दर्शन होने लगता है। अब वो इतनी छोटी है कि उसको आप देख नहीं सकते हो। सकल जीव मम उपजाया, सब में वही जीवात्मा है। आप ये समझो, ऊँट में भी, घोड़ा में भी, हाथी में भी, और चींटी और चींटी से छोटे कीड़ों में भी यही आत्मा है। परमात्मा के अंश जीवात्मा सब में है, तो उस समय पर वो रास्ता साफ रहता है, जिधर से डाली जाती है बराबर दर्शन होता रहता है। पहुँच तो नहीं सकती है ऊपर, कि जैसे कोई बूंद ऊपर आसमान से नीचे गिर जाती है तो ऊपर ऐसे नहीं जा सकती। युक्ति अगर मालूम हो जाए तो वो पहुँच जाएगी। ऐसे युक्ति जब उपाय मालूम हो जाता है, तब तो ये इतनी तेजी से जाती है कि जैसे पतंग की डोर ढीली कर दो और सट से निकलता चला जाता है। जैसे आप देखो शादी ब्याह में फुलझड़ी छोड़ते हैं, अन्य दिखाई नहीं पड़ता है वो फुलझड़ी, और ऊपर जब जाती है, आवाज़ करती है, तब वो मालूम पड़ता है, इतनी तेज इसकी गति हो जाती है। लेकिन ऐसे नहीं जा सकती। जैसे आप ये समझ लो कि बूंद गिरी नीचे, अब बूंद गिरी तो ये पहुँच नहीं सकती है, लेकिन वो बूंद, वो पानी को आप गर्म कर दो, वो गर्म कर दोगे जब हवा बनेगा, भाप बनेगा, तो अपने आप ऊपर पहुंच जाएगा। तो उपाय से तो हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं जा सकती। दर्शन होता रहता है और वो भी देखते रहते हैं, लेकिन ये पहुंच नहीं सकती है आत्मा। प्रार्थना करती है बाहर निकालो, तकलीफों को अपने पिछले जन्म की भी देखती है, कीड़ा मकोड़ा सांप गुजर बिच्छू के शरीर में सजा भोगने के लिए इसको बंद किया जाता है, तो कभी सजा भोगते रहे, उसमें योनि में रहे, बड़ी तकलीफ रही, मारे गए, काटे गए, सताए गए, नरकों में पड़े रहे, तो इस तरह से ये प्रार्थना करती है जीवात्मा कि दया करो, बाहर निकालो। बाहर निकल करके हम भजन करेंगे। 9 महीने के बाद माँ के पेट से जब बाहर निकाला गया और यहाँ पर जब माया के लोक में आई, तो पर्दा पड़ गया माया का। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा और औरतों को माया कहते हैं। इसमें ज़्यादा उनका जोर रहता है, इन दो चीज़ों में ज़्यादा जोर रहता है। देखो दुनिया इसी के पीछे परेशान है, तो अब आप ये समझो पर्दा डाल देती है ये माया, कि जिससे दर्शन होना हो जाए बंद। तो जब दर्शन होना बंद होता है, सब बच्चा रोता है, कहाँ 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 पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए। दूसरा कारण रोने का क्या है? ये गर्म और ठंड हवा इस कदर बदन में लगती है, नंगे बदन में, कि सुई चुभोने से भी ज़्यादा दर्द होता है। कई यानी सैकड़ों सुइयाँ एक साथ चुभोई जाएं, ऐसा दर्द होता है, क्योंकि नंगा ही बच्चा पैदा होता है। कोई राजा महाराजा का बच्चा, कोई शेर साहूकार का बच्चा, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का बच्चा, यानी सूट बूट पहनकर तो पैदा होता नहीं, कि हुआ कोई चड्ढी बनियान पहनकर, सब नंगे पैदा होते हैं। कहते हैं ना, नंगे पैदा हुए हो और नंगे करके भेज दिए जाओगे, तो बात तो सही है। आखिरी वक्त पर शमशान घाट भेजते समय सब उतार लेते हैं, कुछ नहीं रखते बदन पे, एक काला तागा भी बंधा होता है तो उसको भी खोल देते हैं। तो कहा गया, ना कुछ लेकर आए हो, ना कुछ लेकर जाओगे। तो लेकर तो नहीं जा सकते हो,
क्योंकि इतने पतले रास्ते से अंदर उतारे गए हो, और जिस रास्ते से उतारे गए हो उसी रास्ते से निकलना रहेगा, उसी रास्ते से निकाला जाता है। अब निकलना अगर पहले सीख जाओ तो आखिरी वक्त में तकलीफ नहीं होगी, और नहीं तो इतना मोह इस शरीर से प्राण को जीवात्मा को हो जाता है कि इसको जल्दी छोड़ना नहीं चाहता। जब समय पूरा हो जाता है तो यमराज के दूर मार मार करके इसको झुलझा करके निकालते हैं, तो उस समय बड़ी तकलीफ होती है। कहा ना, जन्मत मरत दुसह दुख हुई, जन्मते वक्त और मरते वक्त बहुत तकलीफ होती है, बड़ा कष्ट होता है। तो उसी रास्ते से, जिस रास्ते से अंदर डाली गई है उसी रास्ते से ये निकाली जाती है। तो उधर से जिसको देख नहीं सकते हो, जिस रास्ते को नहीं देख सकते हो इन बाहरी आँखों से, इन बाहरी आँखों से देखने वाली चीज़ों को कैसे ले जा सकते हो? तो ले तो नहीं जा सकते हो, लेकिन लेकर आए हो। क्या लेकर के आए हो? अर्थ धर्म काम और मोक्ष, चार पदार्थ करतल ताके हाथ की मुट्ठी में रख करके लेकर के आए। क्योंकि कोई अटैची बैग तो लाता नहीं हिम्मत के पेट से, न कोई सूट बूट पहन कर आता जिसमें जेब हो रख के लावे, तो किस में लेकर आए? मुट्ठी में। हर बच्चा देखो मुट्ठी बांध करके ही पैदा होता है, तो मुट्ठी में लेकर आए चार पदार्थ। चार पदार्थ क्या है? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अब इसका मतलब अगर समझ में आ जाए तब तो जीवन सफल है, और नहीं मतलब समझ में आया तो अर्थ का अनर्थ आदमी कर लेता है और फंसता चला जाता है। देखो ये धार्मिक किताबें क्या हैं? मार्गदर्शिका हैं, रास्ता बताने वाली चीज़ें हैं। अब किताबों के पढ़ने से मुक्ति मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन सिख समाज वाले, इनको सरदार जी लोग कहते हो, वो तो यही कहते हैं कि हमारा ग्रंथ ही गुरु है और यही हमको पार कर देगा, इसी का पाठ करना है। तो आप इस बात को समझो कि उन्होंने कहा तो था कि ये इसको तुम अपना गुरु मान लो। गुरु मानने का मतलब किताब को गुरु नहीं, गुरु तो जिंदा होना चाहिए। आप ये समझो जड़ गुरु नहीं हो सकता है, आप ये समझो जिंदा गुरु होना चाहिए, ज्ञान देने वाला होना चाहिए, बोलने समझाने वाला चाहिए, रास्ता दिखाने वाला चाहिए, रास्ता देने वाला चाहिए, रास्ते पर चलाने वाला चाहिए, मंजिल तक पहुँचाने वाला चाहिए। तो किताब तो रास्ता नहीं दिखा सकती है, आप बिल्कुल लेकर नहीं पहुंचा सकती है। वो तो उन्होंने वाहिगुरु यानी समझो कि कब कहा? जब गुरु के जलवा को अंदर में देखा। गुरु ही सब कुछ हैं और गुरु का ही ये जलवा है, सब वही सब चला रहे हैं। वो तो अंतर में जब गुरु की लीला दिखाई पड़ती है तब विश्वास होता है। और मानस के शरीर में गुरु की पहचान नहीं होती है, लेकिन जो उनके अंदर में ताकत होती है और जिस ताकत से हर लोगों में आते जाते हैं, और फिर जब वहाँ पहुँचते हैं और उनका जलवा दिखाई पड़ता है तब उसको विश्वास होता है। कबीर साहब ने जैसे रानी इंदुमती को उपदेश किया, रास्ता दिखाया, रास्ते पर चलाया और मंजिल तक पहुँचाया। जब सतलोक पहुँची तो देखा कि यही तो सब कुछ कर रहे हैं, तब बोली रानी इंदुमती कबीर साहब से, बोली आप हमको अगर मृतलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती, साधना इतनी मुझको क्यों करनी पड़ती? तब उन्होंने कहा तो उसको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी ताकत हो सकती है, इतना शक्ति हो सकती है। इसलिए तो उसको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और कदम कदम पर तेरी मदद किया। बोल किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी और बोली आपके मदद के बगैर तो मैं अंदर जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि शुरुआत में ही अरे बहुत तरह की बाधाएँ आ जाती हैं, लुभावनी चीज़ें आ जाती हैं। हीरा ले लो, मोटे ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, रिद्धि ले लो, सिद्धि ले लो, मुर्दा को छूओगे जिंदा हो जाएगा, लौट जाओ आगे मत जाओ। लेकिन जब यह मालूम होता है कि छोटी चीज़ों में नहीं फंसना है,
हमको बड़ी चीज चाहिए, तब साधक उनको अलग कर देता है, उनसे उन पर ध्यान नहीं देता है और आगे बढ़ता जाता है। रुकावट भी आती है तो गुरु को याद करता है, सूक्ष्म रूप में गुरु मिलते हैं, और जब गुरु सामने खड़े हो जाते, पावरफुल जैसे कोई आदमी हो खड़ा हो जाए, ताकतवर आदमी खड़ा हो जाए, तो कमज़ोर आदमी अगर किसी को सताने लगता है तो वो खुद हट जाता है। ये पावरफुल आ गया, पावर वाला आ गया, ताकत वाला आ गया, तो हम अगर इसको गाली देंगे तो वो हमको थप्पड़ मार देगा। ऐसे गुरु होते हैं, तब वो मदद करते हैं, ले जाते हैं। तो गुरु के जलवा को जब देखा किसने, नानक साहब ने, तो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु अनि कहने लग गए। अब उनके मुँह से जो चीज़ निकल जाती है उसमें ताकत आ जाती है। जिस चीज़ को वो ये चाहते हैं इसको ताकतवर बना दिया जाए, वही ताकतवर हो जाता है, वही नाम जग जाता है, वो वर्णात्मक नाम हो जाता है। वो फकीर महात्मा रहते थे, एक राजा गया वहाँ, हाँ तो कहीं तैयारी में थे, जा रहे थे, कहा महाराज मैं बहुत दूर से आया हूँ, आप हमको कुछ उपदेश कर दो, कुछ दे दो, कुछ बता दो। तो उन्होंने कहा भाई अब तो मैं तैयारी में हूँ, हमारा सत्संग है, जा रहा हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, आप तो हमारे चलते समय आए। बोले नहीं महाराज हमको कुछ बता दीजिए, कुछ भी कुछ ही बता दीजिए। जब लग गया कहा कुछ बता ही दीजिए, कुछ बता ही दीजिए। तो बोले कि देखो हम आएंगे उधर से आपके, जब सत्संग के बाद आएंगे तो आपके तरफ से होते हुए आ जाएंगे और फिर आपको समझा देंगे, सब बता देंगे। तो बोला नहीं अभी तो कुछ बोल दीजिए। बोले अच्छा जाओ तो राम राम जपना। उसने सोचा कि राम राम तो बहुत जपे, महात्मा जी ने कहा ऐसा कोई नाम ना बताया जाए कि भूल जाए या कह ही ना पावे, तो राम नाम तो अक्सर लोग बोलते रहते हैं, चलो इसी में ताकत भर दिया जाए। तो उसी में ताकत भर करके उसको दे दिया। अब और लोगों के लिए भी ताकत भरा जाता है और किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी ताकत होता है, तब कहते ना कि दुआ आशीर्वाद इनका लग गया। एक आदमी के लिए भी होता है, बहुत लोगों के लिए भी होता है। जब नाम किसी नाम को यानी नामी जहाँ से नाम उतरा है उस मालिक से जब जोड़ दिया जाता है तो वो सब के लिए हो जाता है। आपके नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, बहुत पतले तार से जुड़े हुए हो। ऐसे ही यानी नाम को उस तार के द्वारा जोड़ देते हैं संत जो होते हैं, कहाँ जोड़ देते हैं, उस मालिक से, परमात्मा से। तो जब उस नाम को कोई पुकारता है तो वो मालिक तुरंत मदद करता है और उस नाम में ताकत आ जाती है। तो उन्होंने कह दिया राम राम जपना। तो उसने कहा बहुत राम राम जपा, क्या राम राम, राम राम कोई नई चीज थोड़ो बताए। अब महात्मा जो होते हैं वादा के पक्के होते हैं, आप इस चीज को प्रेमी नहीं समझोगे, लेकिन जो एक बार कह देते हैं उसको एक जन्म दो जन्म नहीं तो सपने में यानी निभाते हैं। गुरु महाराज जब चले गए तो हमको लोगों ने कहा, निराशा तो हो रही थी क्या करें कैसे करें, लोगों ने कहा दौड़ोगे नहीं जाओगे नहीं तो इनकी संभाल कैसे होगी। गुरु महाराज ने आपके लिए कहा था कि नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे, तो कैसे संभाल होगी। तो मैंने दौरा किया, जगह जगह में गया, तो दक्षिण भारत में गुरु महाराज उनके यहाँ रहे थे, कई दिनों तक रहे थे, एक डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब के यहाँ जब मैं गया तो उन्होंने बताया, कहा कि गुरु महाराज जब चले गए खबर लगा तो मैं बहुत रोया, और इस बात पर तो रोया ही कि गुरु हमसे छिन गए चले गए, लेकिन इस बात पर ज़्यादा रोया कि जब हमारे यहाँ से गुरु महाराज कुछ दिन रहने के बाद जाने लगे थे और मैं रोया था, तब बोले थे तुम घबराओ नहीं मैं फिर आऊँगा, तो अब कैसे आएंगे, अब तो चले गए, तो ये संत की बात कैसे गलत हो गई, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्राह्मण, कैसे ब्राह्मण पलट सकते, कैसे वचन गलत हो गई। तब बोले देर रात से जब मुझे नींद आई तो मैंने देखा कि गुरु महाराज एकदम आकर के ऐसे खड़े हो गए और मैं चारपाई से उठ गया और मैंने कहा कि आप के लिए, और गुरु महाराज उसी चारपाई पर मेरे बैठ गए। तो मैंने कहा कि आप के लिए मैं चादर भी नहीं बदल पाया
और आप मेरी चारपाई पर आई बैठ गए, तो बोले देखो बच्चा, मैं तुझको ये बताने आया हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ आ गया। मैंने वादा किया था कि तुम्हारे यहाँ आऊँगा, उस समय ये नहीं कहा था इसी शरीर से आऊँगा। तो आप तुमको विश्वास इस बात का हो जाना चाहिए कि मैं तुम्हारे यहाँ आ गया। तो आप समझो कि महात्मा जी ने तो कह दिया राजा से कि राम राम जपना, लेकिन वो जपा नहीं। वादा के पक्के होते हैं, इसलिए लौटते समय गए दरबार में, सीधे चले गए, महात्माओं के लिए रोक नहीं रहती थी, चले गए। राजा उठ करके आया, प्रणाम किया और फिर उसके बाद बैठने के लिए कहा। तो महात्मा तो देख करके ही समझ गए कि इसने बातों का अनादर किया, बात को माना नहीं ये। तो कहा देखो, मैंने वादा किया था कि मैं लौट करके जब आऊँगा तब तुमको कुछ बताऊँगा समझाऊँगा। तो आप ये समझो कि आपने नाम को जपा, याद किया, बोले बोले महाराज बहुत दिन तक बोले रहे, जैसे बोले रहे वैसे बोलते रहे, ऐसे बोल दिया। कहे ऐसे नहीं, तुमने श्रद्धा और भाव से नहीं अन्य उसको अपनाया और नहीं बोले। तो आप समझो कि अब तुमको मैं बताना चाहता हूँ। ऐसे मुँह देखने लगे, बताइए। तो सिपाही वहीं खड़ा था, सिपाही से महात्मा ने कहा हथकड़ी ले आओ और राजा को लगा दो। तो अब सिपाही राजा को देख रहा है, महात्मा को देख रहा है, खड़ा है वहीं। फिर बोले, अरे सिपाही तू हथकड़ी क्यों नहीं लाता है, हथकड़ी लेकर आओ, राजा को हथकड़ी लगा दे। फिर वो खड़ा देख रहा है। फिर कहा, राजा ने सोचा भाई कोई खड़ियां रच रहे हैं ये, हथकड़ी लगा करके हमको जेल में डाल देंगे और गद्दी पर बैठ जाएंगे। राजा ने कहा, अरे तू खड़ा क्यों देख रहा है सिपाही, जहाँ हथकड़ी ले आओ, महात्मा को लगा दे। बस तुरंत वो दौड़ करके गया और हथकड़ी लेकर के आया, महात्मा को लगा दिया। अब महात्मा जी हंस रहे, राजा सोचा हथकड़ी लगती है जब तब तो आदमी जेल जाता है, या हंस रहे हैं, इनको खुशी हो रही। कहा कि आप क्यों हंस रहे हैं, अब बताइए। बोले हम तुमको मतलब समझाना चाहते हैं, बात का, वाक्य का। देखो वही बात मैंने कहा और सिपाही हथकड़ी नहीं लाया, तो मेरी बातों में पावर नहीं था, शक्ति नहीं थी। उसी बात को तुमने कहा हथकड़ी ले और महात्मा को लगा दे, उसने लगा दिया। आप राजा थे, आपका वो नौकर था, आपकी बातों में पावर थी, इसलिए वो लाया हथकड़ी लगा दिया। तो पावर जिसमें भरते हैं वही नाम लोगों के लिए फायदेमंद हो जाता है, लेकिन समय समय पर महात्मा जब आते हैं, परिस्थितियों के अनुसार जब वहाँ रहते हैं धरती पर, तो नामों को बदल दिया करते हैं। इसीलिए कहा गया कि 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, तो वाहे गुरु तो बोलते हैं, लेकिन उन किताबों को, धार्मिक ग्रंथों को जिसने लिखा, जितनी योग्यता वालों ने लिखा, उनके पास लोग जाते नहीं। चाहे हिंदू धर्म की किताब हो, चाहे मुसलमान धर्म की हो, चाहे सिख धर्म की हो, उतनी योग्यता वाले के पास अगर जाएं तो वो अर्थ समझा दें, उसमें सब लिखा हुआ है, किताबों में सब लिखा हुआ है। तो उन्होंने तो इस चीज़ को मान लिया कि भाई ग्रंथ को ही पढ़ लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ऐसे उद्धार होने वाला नहीं होता है, उद्धार का तरीका होता है, उद्धार का अन्य समझो उपाय होता है, सब उद्धार होता है। तो अब आप समझो इस बात को कि अन्य जीवात्मा, अन्य का कल्याण, अन्य करने के लिए अन्य समझ लो कि समझना होता है कि कैसे इसका कल्याण होगा और नर्क 84 से कैसे हम बचेंगे और कैसे सुखी रहेंगे। देखो आपसे कह दिया जाए कि खाना नहीं मिलेगा और भगवान आपके पास 24 घंटे बैठे रहेंगे, तो कहोगे भाई भगवान से ही कह दो पेट भरें पहले, तब हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। भूखे वजन न हुए भुवाला और लियो भुवाल कंठी माला। भूखे में नींद भी जल्दी नहीं आती है,
पानी पी पी करके आदमी तारों को देखता रहता है कब छिपन सवेरा हो कुछ खाने को मिल जाए। कह दिया जाए उठ बैठ नहीं सकते हो, चारपाई पर पड़े रहोगे, विष्णु भगवान पंखा झलते रहेंगे, तुम्हारी सेवा करते रहेंगे। तो कहोगे भाई भगवान से ही कह दो हमको खड़ा कर दें, चलने फिरने लायक हो जाएं, हम उन्हीं की सेवा करेंगे, हम उनसे क्यों सेवा करवाएं। कह दिया जाए तुम्हारा अपमान हो जाएगा, निंदा हो जाएगी, तुम्हारा मुंह देखना लोग नहीं पसंद करेंगे, लेकिन विष्णु भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। कहोगे भाई उन्हीं से कह दो हमको इज्जत के साथ रखें, हम इज्जत के लिए घर बनाते हैं, इज्जत के लिए गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं कि बैठ करके चलेंगे, जहाँ उतरेंगे लोग हमको प्रणाम सलाम करेंगे, इज्जत के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं, दिन रात चरखे की तरह चलते रहते हैं, कमाते धमाते इज्जत के लिए हैं, तो इज्जत हमारी न जाए तो यह भी जरूरी है। तो ये अच्छी जगह समझ में आ जाए कि चार पदार्थ है क्या, तो ये लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। तो चार पदार्थ कर चलता के अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ क्या है, इस शरीर के पाने का अर्थ समझो। बहुत से लोगों ने तो ये सोच लिया कि चाहे मार करके लाओ, काट करके लाओ, दिल दुखा करके लाओ, रिश्वत लेकर के आओ लाओ, अर्थ कमाओ, पैसा कमाओ। अब इसी हाथ से यानी समझो जिससे दान पुण्य किया जाता है, यज्ञ किया जाता, आहुति दी जाती है, जिससे भजन सुमिरन किए, जैसे जिससे भजन सुमिरन किया जाता है, माला जपा जाता है, उसी हाथ से काट काट करके हिंसा हत्या करके और पैसा लोग ले आते हैं। तो अब आप ये समझो कि यानी अर्थ का मतलब ये समझो कि इस मनुष्य शरीर के पाने का अर्थ समझो कि यह तन कर फल विषय निभाई और स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाय, विषय वासनाओं के लिए नहीं मिला, खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला। शरीर मिला तो कि खाओ और समझो शरीर को स्वस्थ रखो, लेकिन दूसरे का छीन कर मत खाओ, इतना ज़्यादा ना खा लो कि पेट का ऑपरेशन कराना पड़ जाए। आप ये समझो कि जैसे एक कटोरे में अनशहद रख दी जाती है, एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खाकर उड़कर चली जाती है, एक मक्खी आती है कटोरे में कूद पड़ती है, खूब शहद खाती है लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती है। तो फंसो मत, आप समझो कि रहो इसी समाज में और शरीर के लिए खाने का, रहने का, आप समझो पहनने का सब इंतजाम कर लो, लेकिन इसको उसमें लिप्त मत करो, गृहस्थ आश्रम में ही रहो। लेकिन ये मत समझो गृहस्थी ने हमको पकड़ लिया, जैसे ये तोता पकड़ने वाले होते हैं, तोता पकड़ने के लिए जब जाते हैं तो जहाँ पर फल लगा रहता है वहीं पर एक चरखी बांध देते हैं, तोता जब जाता है तो चरखी के ऊपर पैर रख करके और फल को खाने की कोशिश करता है तो उसका पैर ऐसे घूम जाता है चरखी के साथ, और जब घूमा गिरने लगा तो उसी चरखी को ऐसे पकड़ लेता है, ऐसे तो चरखी को जब पकड़ लेता है तो कहता है चरखी ने हमको पकड़ लिया, भ्रम हो जाता है, चरखी ने पकड़ लिया और छोड़ता नहीं। चरखी को अगर छोड़ दें तो अभी समझो कि छूट जाए, उड़ जाए। ऐसे ही जब इस भूल और भ्रम के देश में ये हो जाता है कि गृहस्थी मैं ही चला रहा हूँ, मैं अगर नहीं करूँगा मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, जब इस चीज़ को भूल जाता है जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता देता वो है, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम, जब इस पर विश्वास हो जाता है तब उसमें फंसता नहीं है, कर्तव्य का पालन करता रहता है, बाल बच्चों की देख रेख करता रहता है, उनके खाने पहनने का, शिक्षा दीक्षा का उनके ध्यान रखता है, लेकिन उसमें फंसता नहीं है।
तो कहा यह तन कर फल विषय विषय वासनाओं में फंसने का यह नहीं है, यह तन कर फिर विषय न भाई और स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाय, आखिर में बड़ी तकलीफ होगी क्योंकि कर्मों की सजा मिलती है, कर्मों की सजा से कोई बच नहीं सकता है। तो कर्मों की जब सजा मिलेगी किसके लिए, जो बाल बच्चों के लिए झूठ बोले, बेईमानी किए, चोरी चकारी किए, उसकी सजा जब मिलती है तो अंत दुखदायी, आखिरी वक्त में बड़ी तकलीफ होती है। बुढ़ापा तो तकलीफ देह होती ही होती है, बुढ़ापा क्या है, ये असाध्य रोग है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रोग हो जाता तो कहते कैंसर हो गया, इनको ये यानी समझ लो यानी समझो कि तमाम रोग निकले हैं जो असाध्य होते हैं, जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो ऐसे ही बुढ़ापा एक असाध्य रोग है, आ करके कभी जाता ही नहीं, जैसे कोई ऐसा असाध्य रोग लग जाता है नहीं जाता है, इसे बुढ़ापा आती है। तो तकलीफ तो होने लगती है, बुढ़ापा सबकी आती है, सबके आँख कान अंदान कमज़ोर होते हैं, गिरते हैं रात। तो अब आप ये समझो कि बुढ़ापा में तकलीफ तो होती ही होती है, लेकिन आखिरी वक्त में जब जीवात्मा को निकालते हैं यमराज के दूध, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, मार मार कर कूट कूट कर निकालते हैं तो हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान तुतली हो जाती है, उस समय कोई सहायक नहीं होता है। कोई कितना बढ़िया डॉक्टर हो, कलेक्टर कमिश्नर हो, कोई नेता हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, यानी कोई भी हो, लेकिन उस समय पर कोई मदद करने वाला उसका होता नहीं है। जब यमराजों की दूतों की मार पड़ती है, हड्डी हड्डी अंदर से चटकती है, तो बड़ी तकलीफ होती है, यह शरीर तो ही गिर जाता है, इसको लोग क्या कहने लगते हैं, मिट्टी। इतने आदमी बैठे हो, अभी कोई किसी के ऊपर हाथ रख करके कहे कि यह तुम्हारा मिट्टी है, कहेगा ना लाए कहीं के मिट्टी बता रहा है, बताओ दिन में नहीं दिखाई पड़ता है। लोगों को रात में नहीं दिखाई पड़ता तो औंधी होती है, इसको दिनौंधी हो रही है। दूसरा बैठा रहेगा सुनेगा कहेगा मोतिया बिंद हो गया आँख में, बताओ इसको मिट्टी बता रहा है। लेकिन प्राण निकलने के बाद, शरीर निकलने के बाद, हर किसी के शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं, चाहे राजा महाराजा का शरीर हो, सेठ साहूकार का शरीर हो, पंडित मुल्ला पुजारी का शरीर हो, सबको मिट्टी ही कहते हैं। और कहते जल्दी करो, ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, तो इसको तो जला करके राख कर देते हैं और जीवात्मा को ले जा करके नरकों में सजा दिलाते हैं। उसके पास सारा लेखा जोखा होता है जीवन का, यमराज के पास, यमराज के पेशकार हैं चित्रगुप्त जिनको कहते हैं, उनके पास सब होता है, उसी के अनुसार सजा मिल जाती है। वहाँ नरकों में बहुत दिन रहना पड़ता, वहाँ से छुटकारा मिला, कीड़ा मकोड़ा की योनि में, शाम को जब भिक्षु की योनि में, यानी मुर्गा भैंसा बकरा की योनि में बंद होना पड़ता है, फिर 9 महीने माँ के पेट में लटकना ही पड़ता है, फिर मनुष्य शरीर मिलता है। अब मनुष्य शरीर भी मिला और सद्गुरु नहीं मिले, सच्चे गुरु रास्ता बताने वाले नहीं मिले, तो भटक भटक सब भटका खाया और सद्गुरु भी कोई राह न पाया, रास्ता मिलता नहीं तो भटक भटक लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके 84 में आना पड़ता है, तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो ये मनुष्य शरीर आपको जो मिला, ये देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए तरसते हैं क्योंकि साधना का घर है, पूजा का मंदिर है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, गोस्वामी जी ने कहा। तो इससे अपना काम करो और दया करो, अर्थ धर्म, धर्म क्या है, दया धर्म, सबसे बड़ा धर्म दया धर्म है, दया धर्म तन बसे शरीरा ताकर रक्षा करने रघुवीरा, गोस्वामी जी ने कहा। तो दया करो इसके ऊपर जीवात्मा के, असला काम क्या है कि इसको मुक्ति मोक्ष दिला दो। मोक्ष किसको कहते हैं, मुक्ति किसको कहते हैं, शमशान घाट पर आप जाते हो तो वहाँ कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम लिखा रहता है। अब कोई मुर्दा जलाने के लिए लेकर के जाए और कोई दिक्कत आ जाए जलाने में, चाहे 2 दिन लग जाए, तो वापस लाता है, जला करके ही आता है। तो जहाँ से ये जीवात्मा वापस न लौटे, इधर ना आवे मृत्युलोक में, न जाए उधर नर 84 में, ऐसी जगह इसको पहुँचा दो तो मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। तो ऐसी जगह आपको पहुँचाने का रास्ता आज बताया जाएगा। जो नए लोग आए हो,
कुछ लोगों को पहले बताया जा चुका है, कुछ लोग हमारे गुरु महाराज के यानी रास्ता बताए हुए आप प्रेमी भाई बहन बैठे हो। गुरु महाराज ने तो बहुत लोगों को रास्ता बताया। इस धरती पर जितने भी संत हुए सब लोगों ने मिल करके जितने लोगों को रास्ता नहीं बताया था, नामदान नहीं दिया था, उससे कई गुना ज़्यादा गुरु महाराज ने लोगों को नामदान दिया, रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया भी और कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचा दिया। अब वो वापस इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये दुखों का संसार है, यहाँ कोई सुखी है? जिसके पास नहीं है वो तो रो ही रहा है, जिसके पास ज़्यादा रुपया पैसा है वो भी रो रहा है, कहाँ संभालें कैसे करें। आजकल का नियम कानून इस तरह का है कि बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, वातावरण ऐसा है कि चोरी में चला जाए, लूट में चला जाए, कोई जान मार करके लेकर चला जाए। पहले वाला वक्त तो अब है नहीं कि दूसरे के धन धन को लोग जहर से भी जहर मानते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझा करते थे, तो वो तो वातावरण भाई नहीं, तो दुखी तो रहेगा ही, रहता है वो भी दुखी, नहीं रहता है वो भी दुखी। आप देखो जिसके लड़के नहीं होते हैं, लड़कों को पाने के लिए पत्थर की मूर्ति जिनको भगवान कहते हैं बहुत से लोग, उनके मूर्ति के सामने बकरा मुर्गा आदमी का लड़का काट करके चढ़ा देते हैं कि लड़का पैदा हो जाए। बताओ, देवता कभी लेवता होते हैं? जान के बदले जान लेंगे, लेकिन अब सोच बन गई लोगों की कि देवता खुश हो जाएंगे, लड़का दे देंगे। और इनके चार चार लड़के, पूछो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके चार चार लड़के चार चार बहुएं खूब सेवा करते होंगे। बुड्ढा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, किसी ने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, ऐसे वंश से निर्वंश अच्छा, वो ये बोलता है। तो न राजा को शांति, न रैयत को शांति और न पूंजीपति को ही नींद आ रही है, तो इसका कारण क्या है? पहले के समय में ऐसा नहीं था। आप इसमें जो 70-80 साल के बैठे हो, आप देखो अपने बचपन में ये बात नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे माहौल खराब होता जा रहा है, वातावरण खराब होता जा रहा है। अब एक एक की जगह चार चार जोड़ी जूता तो हो गया लोगों के, आठ आठ सेट कपड़े तो हो गए, घर मकान बढ़िया बन गया, गाड़ी घोड़ा दरवाजे पर खड़ी हो गई, लेकिन शांति घर में नहीं है। एक आदमी मिले मुझसे, कहे आपसे बात करना चाहता हूँ। बड़े आदमी थे वो, बड़े पावरफुल जिसको कहते हो, होटल बजाती हुई चीं पू करती हुई गाड़ियाँ आगे पीछे चलने वाले थे वो। तो बहुत से लोग हमारे यहाँ आते, हमारे गुरु महाराज के पास भी आते थे। कुछ लोग तो शान शौकत से आते हैं कि भैया हैं ये हैं ये आ रहे हैं, कुछ लोग धीरे से चले आते हैं गाड़ियाँ लेकर के चुपचाप, पता न चले किसी को। तो उन्होंने कहा आपसे बात करना चाहता हूँ। हमने कहा ये बैठाया कमरे में, बैठते ही बोले कि जीत करके सब जगह आता हूँ और घर में पहुँचता हूँ तो ऐसे हार जाता हूँ, न ठीक से खा पाता हूँ न ठीक से सो पाता हूँ। अब आप सोचो कि उनके पास देखने में कोई कमी नहीं, धन दौलत भी है, मान प्रतिष्ठा भी है, पर्सनालिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन सुखी नहीं है। न राजा को माहौल ऐसा हो गया, वातावरण हो गया, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही, तो उसका कारण क्या है? रहना खाना पीना उठना बैठना सीख नहीं पाए। अब मोटी मोटी बातें आपको तो एक बताऊंगा कि जिससे आप स्वस्थ रहो, जिससे आप बीमारियों से बचे रहो, जिससे आपके घर में लड़ाई झगड़ा न हो, जिससे आपके आत्मा को भी शांति मिले, मन को भी शांति मिले, वो उपाय आपको बताऊंगा। क्योंकि ये चीज़ें अक्सर देखने को मिल रही हैं, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में बीमारी। इसी में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में रोज़ झगड़ा होता है,
ना बताऊँ मैं बता दूंगा आपको, चैलेंज करोगे 2, 4, 10, 20, 50 को बता दूंगा। कि इनके यहाँ रोज झगड़ा होता रहता है, बूढ़े न लड़ें जवान न लड़ें, तो लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, रोज झगड़ा चींपू लगा रहता है, बीमारियाँ साथ नहीं छोड़ती हैं, किसी न किसी का इलाज चलता ही रहता है। घर में जाओगे तो अन्य दवा खाया हुआ रह पर गोली का पड़ा ही मिलता है, ध्यान से देखोगे तो रखी हुई गोली मिलती, पीने वाली दवा मिलती ही मिलती है। उसका कारण क्या है? संयम और नियम को लोगों ने दिया छोड़, खान पान लोगों का हो गया गलत, खून हो गया बेमेल, मनुष्य का जो खून होता है, बच्चे का जो खून होता है वो शाकाहारी होता है, और मांस जब से लोग खाने लगे और उसका जब खून बना तो खून हो गया बेमेल, तालमेल नहीं खाता है, इसलिए बीमारियां हो जाती हैं। आप इस बात को समझो कि जैसे बुढ़ा बीमार हो गया और डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, डॉक्टर ने कहा खून की कमी हो गई, लड़के ने कहा मेरा खून चढ़ा दीजिए, टेस्ट किया कहा नहीं चढ़ सकता है, भाई ने कहा मेरा खून चढ़ा दीजिए, टेस्ट किया डॉक्टर ने कहा तुम्हारा भी खून नहीं चढ़ सकता है। अब आप सोचो, एक ही रज बीज से एक ही माँ के पेट में दोनों बने, एक ही माँ ने दूध पिला के दोनों को बड़ा किया, खून नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एक शाकाहारी और दूसरा हो गया मांसाहारी। अब मांसाहारी जो होते हैं, मांस खाते हैं, खून उनका गर्म होता है, जल्दी गर्म हो जाता है, जैसे आदमी कहता हट जाओ मेरे नज़रों के सामने से, मेरा खून खौल रहा है। खून में जब गर्मी आती है तब गुस्सा पैदा होता है, गुस्सा ज़्यादा हो जाता है। आप देखो, एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो, चारा डाल दो, रात भर खाएंगे, सुबह दरवाज़ा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। दूसरे कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो और रोटी डाल दो, रोटी भी खाएंगे, रात भर भों भाँ छी पूँ करते रहेंगे, और सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी पूँछ कटी हुई, किसी के पैर से खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्रोध आया, उनको खून गर्म हुआ, और क्रोध आया तो नोचे एक दूसरे को। तो क्रोध क्या होता है? पाप का मूल होता है, क्रोध से पाप होता है, क्रोध से पुण्य आज तक हुआ ही नहीं, क्रोध से पाप ही होता है। औरत मार दे रही है किसको? पति को, बच्चे को, बच्चे को मार दे रहा बाप, भाई भाई को मार दे रहा जान से, क्यों? क्रोध आ गया। तो क्रोध ये क्या करवाता है? करवाता है पाप, करवाता है खून जब गर्म हो जाता है। इसलिए शाकाहारी भोजन जो मनुष्य के लिए बनाया गया उसको खाओ। देखो, जड़ और चेतन दो चीज़ें मालिक ने बनाया। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकता है वो जड़ है। सृष्टि को चलाने के लिए उसने जब बनाया, अंडज पिंडज उखमज और अस्थावर, तो उसमें अस्थावर बनाया था 30 लाख शुरू में। किसने बनाया था? आप समझो कि शिव ने बनाया था 27 लाख। उखमज किसने बनाया? विष्णु ने। उखमज किसको कहते हैं? मनुष्य के पसीने से जो पैदा होते हैं उनको उखमज कहते हैं, और 9 लाख जल के जीव जो जल में रहते हैं, और 14 लाख नभचर और थलचर। नभचर किसको कहते हैं? नभचर जो आसमान में उड़ते हैं, और जो ज़मीन पर चलते हैं उनको थलचर कहते हैं। तो इसको अन्य जो है आद्या ने बनाया था। तो अब आप समझो, 4 लाख पिंडज, पिंडज किसको कहते हैं? जिनसे पिंड की उत्पत्ति होती है, झिल्ली के अंदर पैदा होते हैं बन करके, तो मनुष्य का जो बच्चा होता है झिल्ली में पैदा होता है। इनमें पूरे 5 तत्व होते हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, पूरे 5 तत्व होते हैं, और इनमें बुद्धि होती है। झिल्ली में तो गाय का बच्चा, ऊँट का बच्चा, घोड़े का भी बच्चा पैदा होता है, लेकिन
यानी समझो उसमें एक तत्व की कमी होती है, बुद्धि नहीं होती है, उनको सिखाना पड़ता है। जब वो सीख जाते हैं तब उधर से चलते हैं, वो काम करते हैं। मनुष्य में बुद्धि होती है तो अस्थावर बनाया। अस्थावर उसको कहते हैं जो एक जगह से जा न सकें, तो वो अस्थावर होते हैं, जड़ होता है। जैसे धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये जिसको इस्तेमाल आप करते हो, खाते हो, ये है जड़। तो ये मनुष्य का भोजन है। चेतन चेतन का भोजन खाने का, चेतन चेतन का भोजन खाने का अधिकारी कुछ है, बनाया है। किस लिए बनाया? सफाई के लिए बनाया। जैसे अभी समय पर तो लेटने बैठ नहीं, जगह जगह बटन दबाओ लेटरिन साफ हो गई, लेकिन पहले के समय में लेटरिनें तो इतनी नहीं थी। तब लोग जब शौच जाते थे, लेटरिन जाते थे, तो वो लंबे मुंह वाले होते ना, सूकर जिसको कहते हो, उसको कुदर ने बना दिया था। अब वो सुबह सुबह देखो गांव में जाते हैं, जितनी भी लेटरिनें होते थे उसको सब खा जाते थे। एक राजा था, बना दिया महल और लेटरिन बनवाना गया भूल। रात को उसको जब याद आया तो कहा अब हम लेटरिन सुबह कहाँ जाएंगे, तो कहा जाओ शूकर पकड़ लो रात्रि को। शूकर भलवा ले आया और डलवा दिया उधर पीछे, सुबह गया लेटरिन क्या हो गए, खाया है। तो ऐसे ही उनके मांसाहारी जो हैं सफाई वाले, कि जैसे कोई आप समझो बिल्ली मर गई, कोई तोता मर गया तो कौन खाएगा, तो उसको वो कुत्ता खाएंगे। वो मांसाहारी जानवर उसको सफाई के लिए बनाया था कुदरत ने। मछली किस लिए बनाया? कि पानी के अंदर कोई चीज़ गंदी जब चली जाती है तो मछली उसको खाकर साफ करती है। खकार कर ठोक दो, मछली तुरंत आएगी खाएगी। लेटरिन करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े करेंगे, मछली खाएगी। तो ये किस लिए बनाया? यानी समझ लो सफाई के लिए बनाया। और मछली मर जाएगी जब पानी के ऊपर तैरेगी तो गंदगी फैल जाएगी, इसलिए गीड़ और कौवा बना दिया कि वो उनको खा जाएंगे। तो ये उनका भोजन है। तो जो मांसाहारी होते हैं जानवर, चार पैर वाले जो जानवर इस तरह मांसाहारी होते हैं, दांत नुकीले होते हैं उनके, और आप समझो कि अन्य आँखें गोल होती हैं, चाट करके पानी पीते हैं, मनुष्य मांसाहारी नहीं है। आप देखो, आप समझो कि जो मांसाहारी जानवर नहीं हैं उनके सामने मांस डाल दो, तो ऐसे घोड़ा, गाय, बैल के सामने मांस डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देते हैं, मांस नहीं खाते। एक आदमी ही है ऐसा कि वो कुछ नहीं सूंघता है, सब खाता दबाता चला जाता है। तो अब आप ये समझो कि जानवर को भी इतना ज्ञान है कि ये खाने वाली चीज नहीं, तो मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। आज आप देखो कितना पूजा हो रहा, कितना पाठ लोग कर रहे, कितना अनुष्ठान हो रहा। उज्जैन देखो, ये धार्मिक नगरी है, और कितना यहाँ धर्म कर्म का उपदेश हो रहा जगह जगह। यज्ञ जब तब लोग कर रहे, लेकिन तकलीफ जा रही है? तकलीफ नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? एक तो तरीका नहीं मालूम देवताओं को खुश करने का, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात लाने का तरीका नहीं मालूम है। वो शक्ति नहीं ले पाए कि मांगे बारे देह जल रामचंद्र के राज। हर किसी के अंदर शक्ति थी कि काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर हाथ जोड़कर पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे, वो शक्ति आई नहीं, वो कर नहीं पाए, साधना कर नहीं पाए। अब कैसे करेंगे? जैसा खाओ अन्न वैसी हो वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। तो जब इस तरह का अन्न खाए, इस तरह का मांस जानवरों का खाए कि जिससे बुद्धि ही नहीं काम कर रही है, कोई चीज़ जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, तो कहाँ से वो शक्ति आएगी? मोटी बात आप ये समझो कि मिट्टी और पत्थर का मंदिर मस्जिद बनाते हैं और उसके अंदर ले जाओ, आप गंदी चीज़ डाल दो तो वहाँ कोई पूजा नहीं करता है, नमाज नहीं पढ़ते हैं, कहते जगह गंदी हो गई। ऐसे ही ये मानो मंदिर है जिसमें वो मालिक निवास करता है, इसी में उसका दर्शन होता है। आज समझो कि जिनको दर्शन हुआ वो लिख कर चले गए, जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जान सके सो जान। कहा मुसलमानों में जो फकीर हुए, अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है, ना खुदा मंदिर में देखा ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रेंद्रों से पूछो दिल के आशियाने में है, तो उन्होंने देखा। अब जब वो जगह गंदी रहेगी तो कैसे बैठेंगे, वो कैसे दिखाई पड़ेंगे?
साफ सुथरी जगह बना दी गई, बिछा दिया गया, आप आए बैठ गए, और यहाँ अगर लेट्रिन पड़ी होती, कूड़ा कबाड़ा पड़ा होता, बैठते ऐसे ही। जब उसके हुजरे को गंदा कर लोगे तो कहाँ से उसका दर्शन दीदार होगा, कहाँ से वो मिलेगा। इसलिए इसको पाक साफ रखो। और कम खाओ। कम खाने से क्या होगा, आराम से हजम हो जाएगा। ज़्यादा खा लेते हो और डॉक्टर के पास जाते हो तो पैसा लेने के चक्कर में तुरंत ऑपरेशन करता है, कहता लाओ जमा करो जल्दी, जान का खतरा है, देर मत करो। अब जान बचाने के लिए तो ज़मीन भी बेच देते हैं, जबर भी बेच देते हैं औरत का, और ऑपरेशन करा लेते हैं। अब एक बार ऑपरेशन हो गया तो कोई गारंटी है कि दोबारा नहीं करानी पड़ेगी? दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन, तिबारा जाओगे फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते, अब फिर डॉक्टर ने बता दिया ऑपरेशन। अब कहता डॉक्टर साहब आपकी बार ऑपरेशन करने के बाद टांका मत लगाना, सिलाई मत करना, चैन लगा देना, चैन अब या तो बटन लगा देना, क्योंकि दोबारा जब आऊँगा तब फिर ऑपरेशन ही करोगे तो कटो पीटोगे, दर्द करेगा, टी पट्टी करानी पड़ेगी, तो इससे अच्छा है कि चैन खोल के कर देना, बटन खोल के ऑपरेशन कर दे। अब ऑपरेशन क्यों कराना पड़ता है ये भी बता दें आपको, डॉक्टरों को उसी में पैसा मिलता है, तो वो जो पढ़ाई लिखाई में और नाम लिखवाने में जो डोनेशन देते हैं उसका खर्चा निकालते हैं, जो लोन लेकर के कर्जा लेकर के पढ़ाई करने के बाद नर्सिंग होम अस्पताल बनवाते हैं और उसमें जो कर्मचारी रखते हैं उसका खर्चा निकालते हैं, तो 500 रुपये के फीस से लोन भर पाएंगे? वो तो हलाल करेंगे ही हलाल करेंगे, आपको काटे पीटेंगे, तो पैसा भी देते हो पेट भी कटवा लेते हो, तो ऐसी नौबत कम आवे। दूसरा कारण क्या है, आपको ये नहीं पता है शरीर कैसे चल रहा है। सुबह आपको सत्संग में बताया था पिंगला पिंगला सुषुम्ना ये नाड़ियाँ शरीर को चलाती हैं, जीवात्मा और ये प्राणी शरीर को चलाते हैं, तो तीन तरह के तो ये नाड़ियाँ हैं, लेकिन इन नाड़ियों से 72,000 नाड़ियाँ, 72,000 नसें निकली हुई हैं। अब जब कोई नस कट जाती है तो सिस्टम बिगड़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं जब से ऑपरेशन कराया तब ये ठीक नहीं रहती, इसलिए ऑपरेशन से बचना चाहिए, ज़्यादातर बचना चाहिए। अब तो देखो बच्चियों के पेट में बच्चा आता है और डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन बताता है, क्यों? इसलिए कि आने समय लोग पैसा मिलता है और उनको भी कोई तकलीफ नहीं होती है। अभी ऐसे नॉर्मल बच्चा पैदा करना हो तो तकलीफ हो, क्यों? क्योंकि तरीका नहीं मालूम है उनको। कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए, संयम नियम से रहना चाहिए। बुजुर्ग माताएं हैं ये सब बहुओं को बताती हैं, अनपढ़ ही क्यों न हो, लेकिन उनको अच्छा अनुभव होता है। देखो पढ़ाई लिखाई करके कोई लड़की आई MBBS MS करके, दूसरे के पेट से बच्चे को निकाल देगी ऑपरेशन करके, लेकिन उसके पेट में जब बच्चा रहेगा तो अपना ऑपरेशन करके बच्चा पैदा कर पाएगी। और अगर सास यानी कि सेवा करते रहे, सास को खुश रखे, तो चाहे अनपढ़ ही सास क्यों न हो, हाथ पैर करके आराम से बच्चे को पैदा करा देती है। तो अब वही ऑपरेशन सरल हो गया, बचना चाहिए, संयम नियम से रहो तो आप समझो कि सुखी रहोगे। देखो कहा ना कि मन जो चीज़ मांगे उसको अगर देने लग गए, खिलाने लग गए, तो यह उसी का आदि हो जाता है। और जो चीज़ आदमी को यानी नुकसान करती है मन उसी को बार बार मांगता है, और वो चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है तो नुकसान कर जाती है। भाई मन तो ये कहेगा, लेकिन उस समय बुद्धि का प्रयोग करो, बुद्धि से सोचो, चित्त से चिंतन करो,
कि हम शुगर के मरीज हैं और शुगर खाते चले जा रहे हैं, तो हमारा हालत क्या होगा? थोड़े समय के लिए तो ताकत आएगी, लेकिन जैसे पेशाब करके उठेंगे तैसे फिर कमजोरी आ जाएगी और धीरे धीरे शरीर सूख जाएगा और हार्ट की और तरह तरह की भी लीवर की बीमारियां हो जाएंगी, किडनी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सोचना चाहिए। देखो पहले का नियम बहुत अच्छा था, पहले लोग पेट खाली करके ही खाते थे, कहते ना पहले खाली करो, पहले खारिज करो फिर दाखिल करो, भूख लगे खूब भूख लगे तब खाओ। तो शुगर के मरीज को तो हमेशा भूख लगी रहती है, तो पहचान क्या है भूख का? मशीन कब मांगती है? ये दो सुराख है नाक जिसको कहते हो उसके नीचे, तो दाहिने नाक का श्वास जब चले तो समझ लो कि अब अंदर से मशीन मांग रही है, भूख लगा भी है लेकिन अंदर से अगर सांस दाहिना नहीं चल रहा है तो रुक जाना चाहिए और फिर खाना चाहिए और कम खाना चाहिए। कम खाओगे आराम से हजम हो जाएगा। देखो आप बहुत अच्छा पहले का समय नियम था। देखो पैदल अक्सर लोग चलते थे, नंगे पैर चलते थे, एक प्रेशर यानी पैरों का हो जाता था। लोग मंदिरों में जाते थे ऐसे ताली बजाते थे ऐसे और नाम धुनी बोलते थे, उससे ये जो पॉइंट हैं हाथ के ये सब दब जाते थे। अभी तो लोग पैसा देकर कर को प्रेशर कराते हैं। अरे सब जगह तो बाबा जय गुरुदेव रोगांतक संस्थान है नहीं कि जहाँ फ्री इलाज होता है। ये देखो ये गुरु महाराज के नाम का अस्पताल बनवाया गया, यहाँ एकदम फ्री इलाज है। एलोपैथिक दवाई लो, होम्योपैथिक दवाई लो, आप आयुर्वेदिक दवाई लो, आप अपना टट्टी पेशाब टेस्ट कराओ, सब फ्री है। एको प्रेशर यहाँ फ्री इलाज करते, एको प्रेशर सिखाते भी हैं, कितने डॉक्टरों को सिखा करके उन्होंने भेज दिया, इलाज करते हैं वो लोग, बहुत लोगों को फायदा हो रहा। तो ऐसे अस्पताल तो सब जगह है नहीं, बहुत से लोग पैसा देकर कराते हैं, एको प्रेशर की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। संयम और नियम ये बहुत ज़रूरी होता है। मन के कहे करो मत कोई, मन अगर कहे तो विचार करो, तुरंत मत कर डालो। मन तो कहेगा खूब खाओ, दबा के खा लो, पता नहीं कल मिले ना मिले, लेकिन शरीर भी आपका, पेट भी आपका, मन भी आपका, तो आपको सोचने की ज़रूरत है। और गम खाओ, गम खाओ का मतलब ये होता है बर्दाश्त कर लो। अगर दो बार बर्दाश्त कर लोगे तो तकलीफ से बच जाओगे। अब आपको कल बताऊँगा कि कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो आज तो ज़्यादा समय नहीं है, आज तो नामदान आपको देना है और भी जो बातें हैं कुछ थोड़ी बहुत बतानी है, तो कल आपको बताऊंगा ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तब क्या करना चाहिए। कल सुबह भी सत्संग होगा। तो कोई जब नाराज हो जाए तो चुप हो जाओ, तो झगड़ा झंझट टल जाएगा। औरत को गुस्सा हो, आदमी चुप हो जाए, आदमी गुस्सा हो तो चुप हो जाए, तो कोई तलाक का मुकदमा नहीं चलेगा, कोई दहेज के मुकदमे नहीं चलेंगे। और कोई आग हो तो आप हो पानी, यानी समझो कि ठंडे पड़ जाओ, अगर कोई गर्म हो तो टाल दो उस झंझट को, और नहीं तो झंझट बढ़ता जाएगा। अब इस समय झंझट के बढ़ने में देर नहीं है, तमाम झूठी गवाहियाँ, तमाम झूठे मुकदमे, तमाम ऐसे ऐसा माहौल हो गया कि आदमी कहीं भी फंस सकता है अगर बचा के न चले तो। किसी की ज़िंदगी इस समय सुरक्षित नहीं है, आदमी घर से निकले कोई गारंटी नहीं है कि ठीक ठाक वापस आ जाएगा। तो इस समय तो बहुत सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है प्रेमियों। दूसरी बात यह है कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई अगर करोगे तो उसमें आपको बरकत मिल जाएगी। जब लूट मार करके लाते हो, कूट करके लाते हो, दिल दुखा के लाते हो, रिश्वत लेकर लाते हो, तो वैसे ही वो चला जाता है और बल्कि तकलीफ देकर जाता है। ये बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? अस्पतालों में जगह मरीजों के लिए यानी क्यों नहीं रह गई? यही सब कारण है। इधर उधर से लाए तो बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए? आप जब दूसरे को तकलीफ देकर लाए तो सोचा नहीं कि हमको भी तकलीफ होनी ही होनी, जस करनी तस भोगव ताता,
और जन नरक जात फिर क्यों पछताता है। यह तो कर्म प्रधान देश है, कर्मों का विधान जब से बना कोई इससे छुटकारा नहीं पाया, तो इससे बचो। अब देखो मोटी मोटी बात आपको बताया कि जिससे आपका लोक बने, परलोक बनने की बात बताऊंगा। आप जो नए लोग आए हो कहोगे परलोक क्या है, जैसा शुरू में मैंने आपको प्रसंग में बताया था कि ऊपर में लोक हैं, तो जहाँ आप रहते हो ये मृत्यु लोक है, इसके ऊपर में शिवलोक है, फिर ब्रह्मा लोक है, विष्णु लोक है, और फिर इनकी माता आद्या महाशक्ति जिनको कहा गया उनका लोक है, उनके ऊपर में इनके पिता हैं उनका लोक है, फिर ब्रह्म लोक है, पार ब्रह्म लोक है, और फिर उसके बाद में आपके सतलोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, नामी लोक है, बहुत से लोक हैं। उन लोकों में भी आप आने जाने लग जाओ, आपको वो रास्ता बताऊंगा। उसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, ना जमीन जायदाद छोड़ना है, ना आपको बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहना है। आपके पास है तो आप अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, अच्छे मकान में रहो, जहाँ जिसके साथ उठते बैठते हो, अच्छे आदमी के पास उसी के साथ बैठ करके अपने ही समाज बिरादरी में शाकाहारी भोजन खाओ। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर करो। हम आपको मना नहीं करते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि लड़के लड़कियाँ जब शादी ब्याह के योग्य हो जाएं, पढ़ाई लिखाई कर लें, तब आप देख करके कर दो। क्योंकि जब आप ठिलाई देते हो, बच्चों का ध्यान नहीं रखते हो, तो बच्चे अपने मन से खोजने लगते हैं, तो रूप रंग पर चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई पर चले जाते हैं, रुपया पैसा धन दौलत पर मोहित हो जाते हैं, और वो रिश्ता निभता नहीं है, इसलिए तकलीफ आती है। देखो सत्संगी जो लोग आप लोग हो, आप इस बात का ध्यान रखो, बच्चे और बच्चियाँ अगर भजनानंदी रहेंगे, ध्यान भजन सुमिरन अगर करेंगे, शाकाहारी सदाचारी रहेंगे, तो नरम गरम रिश्ता भी निभ जाता है। और नहीं तो अन्य समझ लो यही गृहस्थ आश्रम जो पहले कभी स्वर्ग जैसा था, यही नरक बन जाता है। हमारे गुरु महाराज को भी पूछ करके बहुत से लोग शादी ब्याह करते थे, फोटो भी दिखा देते थे, मैं भी देखता रहा कुछ दिन, अभी तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि बात तो मानते नहीं कोई, भजन ध्यान लड़कों को कराते नहीं हैं, सत्संग में लाते नहीं हैं। लड़के अगर तैयार भी हों, कहते अरे तुम पढ़ो, तुम्हारा इम्तहान आ रहा है, हम ही चले जाएंगे। जैसे शादी ब्याह में कहते हैं अरे हम चले जाएंगे, बारात कर आएंगे। अब ये नहीं मालूम है कि जो खाता है उसके पेट में जाता है, जो सुनता है वो सीखता है, और जो करता है उसको मिलता है। इस चीज़ पर आप ध्यान नहीं देते हो, बच्चों को आगे नहीं आना देना चाहते हो, सत्संग में लाते नहीं हो, प्रार्थना करवाते नहीं, ध्यान भजन करवाते नहीं, प्रचार प्रसार करवाते नहीं, और माहौल इतना ख़राब है कि बच्चे बच्चियाँ ये बिगड़ते चले जा रहे हैं। आप फोटो दिखाओगे कहोगे आपके कहने से किया था, लेकिन वो लड़ेंगे दूसरे दिन, जब मारकाट जब होगी तब कहोगे तो आपके कहने से किया था। बिजनेस व्यापार में जब कहता हूँ कि ईमानदारी बरतो, नंबर दो का काम मत करो, फंसने का काम मत करो, क्योंकि आजकल ठगी बहुत हो रही है, तो एक बार तो ठगोगे किसी को, फिर खुद ठग जाओगे, ऐसा काम न करो। लेकिन जब पैसा आने लगा, दुकान तो चली पूछ करके गए, लेकिन जब पैसा आने लगा तो नंबर दो का ही माल मंगाने लग गए, और जब दुकान बंद हो गई, पकड़ी गई, सील हो गया, तब कहते आपके कहने दुकान खोला था, नहीं चल रही है। तो भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जब बात नहीं मानना है तब बात मानो, तो को सलाह दिया जाए। तुम मनमुखी जब रहोगे तो कहाँ से, यानी हर बात में आपकी मदद होगी। अरे भाई अच्छा काम आप करो, दुखी हो जाओ तो उस मालिक से प्रार्थना भी किया जाए कि बेचारे को ऊपर दया कर दो, दुखी हो गया, अनजान में गलती हो गई, और जान जान के जब गलती करोगे तो कहाँ से वो भी मदद करेगा। एक बार मदद भी कर दिया, अब आपकी आदत बिगड़ गई, फिर गलती करोगे, फिर गलती करोगे, तो कब तक गलती करोगे।
चोरी रोज करता है और चोर एक ही दिन पकड़ा जाता है, पकड़े जाओगे तो मार पड़ेगी, कुदरत की पड़ेगी और व्यवस्था की पड़ेगी। इसलिए आपको सजग करना चाहता हूँ हर बात से, तो अब आप ये समझो कि आपको कुछ नहीं छोड़ना। देखो हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं है, एक तरफ से सब बैठे हैं, कोई किसी से नहीं पूछ रहा है, भोजन भंडारे में खाते हैं कोई नहीं पूछता है, जात पात पूछे नहीं कोई, हर का भजन सो हर का होई, जो भजन करता है हर किसी का होता है। तो यहाँ तो भजन किया जाता है, कराया जाता है, भजन सिखाया जाता है उस मालिक की तरफ से, परमात्मा की तरफ से। तो कोई जाति बनी ही नहीं, ना उसने हिंदू बनाया, ना मुसलमान बनाया, ना सिख बनाया, ना ईसाई बनाया, ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाया, ना पटेल बनाया, ना वर्मा बनाया, उसने तो कोई जाति बनाई ही नहीं। ये तो आपने बना लिया, आपने प्रांत बना लिया, आपने भाषा बना लिया, आपने एरिया बाद बढ़ा दिया, आपने जात बाद बढ़ा दिया, आपने भाई भतीजा बाद बना लिया, ये तो आपने किया। उसने तो केवल इंसान बनाया और इंसानियत बनाया और मानव धर्म बनाया, सबका हाथ एक जैसा बनाया, आँख कान एक जैसा बनाया, टट्टी पेशाब का रास्ता सबका एक जैसा बनाया, खून मांस चमड़ी सबकी एक जैसी बनाई, और जीवात्मा जो इस शरीर को चेतन किए हुए हैं, अभी जीवात्मा निकल जाए तो ये जड़ हो जाए। जड़ किसको कहते हैं, जो एक जगह से उठ के दूसरी जगह ना जा सके, तो वो जड़ होता है, तो ये जड़ हो जाए। तो जो इसको चेतन किए हुए है जीवात्मा, यानी वो एक जैसी सबकी है, जैसा शुरू में मैंने अभी आपको बताया कि सब के अंदर उस परमात्मा के अंश जीवात्मा है। तो जो जीवात्माओं को देखता है, जीवात्माओं को मानता जानता है और उसके उद्धार कल्याण में लगा हुआ है, उसके यहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं। गुरु महाराज के यहाँ भी नहीं था, और गुरु महाराज का काम मैं कर रहा हूँ उनके आदेश से, तो हमारे यहाँ भी कैसे रहेगा। हमको तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना है। तो हमारे यहाँ तो मानव और मानवता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद आपको बातें सुननी पड़ें, आपको ताना सुनना पड़े, आपके लड़का लड़की ब्याह में कोई दिक्कत परेशानी आवे। इसलिए ये कहते हैं कि जहाँ शादी ब्याह करते हो वहीं करो, जिसके साथ समाज में रहते हो उसी के साथ रहो, लेकिन शाकाहारी भोजन खाना और समझ लो कि 22 घंटा शरीर के लिए काम करना, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए करना, और 1 घंटा सुबह शाम अपनी आत्मा के लिए समय निकाल लेना, तो आत्मा को खुराक देने का, आत्मा को बलवान बनाने का तरीका अभी आपको मैं बताऊंगा, वो नाम बताऊंगा, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम धारा, सुमे सुमे नर उतरने पारा, नाम लेते बहुत सुंदर सुकाही सुजन विचार, नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए, वो नाम आपको बताऊंगा। तो कौन सा नाम है, वह है ध्वन्यात्मक नाम, वह है निर्मायक नाम। निर्मायक किसको कहते हैं, जो उस माया के देश में नहीं आते हैं वो निर्मायक होते हैं, और जो माया के देश में इस मृत्यु लोक में पैदा होते हैं, माँ के पेट में बन करके बाहर आते हैं, और उन्हीं नामों में से अन्य समय लोग कि महापुरुष जब काम करने के लिए आते हैं, लोगों का भलाई करने के लिए आते हैं, तो लाभ पहुंचाने के लिए उन्हीं नामों में से कोई नाम जगा लेते हैं, तो वो वर्णात्मक नाम होता है, लेकिन मायक नाम रहता है। जैसे त्रेता में राम आए थे, राम नाम को उन्होंने जगाया था, आपको याद होगा जब लंका जलने लगा था तो विभीषण की कुटिया पर राम राम लिखा हुआ था, तो लंका दहन में विभीषण की कुटिया बच गई थी, पत्थर भी राम राम लिखने से तैरने लगा था। कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण खड़े हुए मिले, रूपड़े को वाराग्राह को। काम लेने के लिए जो कलयुग में संत आए, उन्होंने भी कोई ना कोई नाम को महत्व दिया। आपके जैसे राधा स्वामी है, आपके जैसे आने समझ लो हरे कृष्णा, आने समझ लो तो बोलने लगे लोग, उसको उससे कुछ लोगों को धार्मिक भावना भरने लग गए। आप ये समझो कि जैसे वाहेगुरु है, इसी तरह के बहुत सारे नाम हैं, तो लोगों ने यानी कोई ना कोई नाम से उसको पुकारा, तो वो है मुँह से लेने वाला नाम, वर्णात्मक नाम।
अब वो नाम भी आपको बताऊंगा, वर्णात्मक नाम बताऊंगा कि जिससे आपको और लोगों को फायदा होगा, और ध्वन्यात्मक नाम भी बताऊंगा। तो त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, और शतयुग में गुरु नाम था। गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया, और गुरु के पहले जय लगाया, जा माने जय मान, या माने जो, जय मान माने जो हमेशा रहे। तो हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते हैं। और देव माने देने वाला, सच्चे गुरु समर्थ गुरु देते ही हैं। लेते क्या हैं? जो कोई लेने को न तैयार हो उसको लेते हैं, क्योंकि अज्ञानता में ही, न जानकारी में ही, यानी समझो कि आदमी गलती करता है, तो अज्ञानता में जहाँ जानकारी में बच्चा गलती करता है। आप ये समझो कि टट्टी पेशाब बच्चा न जानकारी में ही कर देता है बिस्तर पर, बाप गोदी में लिए हुए है और टट्टी कर दिया, तो बाप उसको साफ करता है, गंदगी को साफ करता है। ऐसे ही यानी जो समर्थ गुरु होते हैं गंदगी को साफ करते हैं, अंतरात्मा को साफ करते हैं, मनचित बुद्धि को सही करते हैं, देने वाले ही होते हैं। लेने वाले क्या होते हैं? आप ये समझो, जो कोई लेने को न तैयार हो पापों की गठरी। तो अब आप ये समझो कि ये जय गुरुदेव नाम, उसको हमारे गुरु महाराज ने जगाया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि तार के द्वारा जोड़ देते हैं, और जब उस नाम से यानी उसको पुकारते हैं जगाए हुए नाम से, तो वो मदद कर देता है। जैसे आप अपने बच्चों को लेकर के कहीं जा रहे हो और छोटे बच्चे को ठोकर लग गई और बच्चा बोला पापा, तुरंत देखोगे मम्मी, मम्मी देखेगी भाई, भाई देखेगा, और जिसको पुकारेगा तुरंत मदद करेगा। ऐसे ही जगाए हुए नाम से जब उसको पुकारते हैं तो मदद कर देता है, वो सहायक बन जाता है, माध्यम बन जाता है, कोई ना कोई रक्षा हो जाती है, धन और माल असबाब की रक्षा हो जाती है। तो अब आप इस बात को समझो कि इस जय गुरुदेव नाम को गुरु महाराज ने जब जगाया और बताना लोगों को शुरू किया, तो जल्दी विश्वास ना हो। आप इतने लोग बैठे हो, सब धार्मिक हो और सब भगवान को मानते हो, लेकिन एक नाम से नहीं, एक नाम पर सबको विश्वास नहीं है, अलग अलग नामों पर। जिसको जिस नाम पर विश्वास हो गया उसी नाम को वो भजता है, जपता है। तो जल्दी लोगों को विश्वास न हो। गुरु महाराज ने कहा कि अगर जय गुरुदेव नाम को इस समय के जीते जाते नाम को लोग नहीं बोलेंगे तो दुख तकलीफ में ही पड़े रह जाएंगे, इसलिए इस बात का जोरदार प्रचार किया कि परीक्षा ले लो, इम्तहान ले लो, ये जय गुरुदेव नाम भगवान परमात्मा का ही है। तो लोगों ने परीक्षा भी लिया, नहाने के लिए गए, डूबने लग गए, कोई सहारा नहीं है, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोले, तेज हिलोट पानी की आई और ले जा करके किनारे लगा दिया। मरते समय बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द होता है, मरते समय जब आदमी छटपटाया, रोया चिल्लाया, तो मरने वाले के कान में प्रेमी ने बोल दिया जय गुरुदेव, आँख खोल दिया, रोना चिल्लाना बंद, बोला जल्लाद हट गए, वो जो मार कूट रहे थे सब हट गए, आराम से जा रहा हूँ। किसी किसी ने तो गुरु महाराज को ही बता दिया हमारे कि बाबा जी आ गए, उनके साथ जा रहा हूँ। खूब परीक्षा लिया लोगों ने। आप इस बात को समझो कि अच्छे काम के लिए हमेशा ये जय गुरुदेव नाम मददगार है। लोगों ने परीक्षा लिया, काम नहीं बन रहा, बहुत परेशान हैं, जय गुरुदेव नाम बोल करके गए और कुछ न कुछ काम बन ही गया। विद्यार्थी ने खूब पढ़ाई किया लेकिन परीक्षा में भूल गया, बंद किया आँख, जय गुरुदेव अंदर अंदर में बोला, जोर से बोलता, लड़के हंसने लगते, तो लड़के नहीं बताया, अंदर में आँख बंद किए, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोले, और फिर सवाल याद आ गया, लिख करके चले, अच्छा नंबर मिल गया। यानी ऐसी जगहों पर भी कि जब आदमी बिल्कुल निराश हो गया और जय गुरुदेव नाम बोला, गुरु को याद किया, तो सहारा मिल गया। आप ये समझो, जय गुरुदेव बोलते हुए और मिलिट्री में भर्ती होने गया और सीना कम था, और जय गुरुदेव बोलता गया, धीरे 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 फुलाता गया, और दोबारा न पुआया जब, तो एकदम बिल्कुल
करेक्ट निकला, उतना ही निकला जितना होना चाहिए। एक आदमी की वजन कम हो गई, आप समझो कि वो भी निराश बेचारा सत्संगी, वजन कम हो गई, भर्ती होने गया था, पुलिया पर बैठा हुआ था, सोच रहा था क्या करें कहाँ जाएं क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा। जब तक एक बुढ़ा उधर से निकला, देखा क्यों बैठे हुए हो यहाँ, क्या सोच रहे हो, तो कहा कि जो है भर्ती होने आए, कहाँ के हो, यहाँ के हैं, किस लिए आए थे, भर्ती होने आए थे, क्या हुआ, वजन कम हो गया। तो कहा कि कल फिर भर्ती में चले जाना, और जब जहाँ ठहरे हो वहाँ, जब वहाँ से चलना तो एक डेढ़ दर्जन केला खरीद लेना, और रास्ते भर खाते हुए चले जाना, जितना खा सको केला खा लेना, और वजन कराने से पहले पानी भर लेना पेट में, खूब पी लेना पानी, और फिर वजन करा लेना। और ऐसा उसने किया, वो वजन पूरा हो गया। अब आप ये समझो कि कहते हैं कि कोई न कोई किसी न किसी तरह से वो मालिक मदद करता है, विश्वास की बात होती है। जिन लोगों ने मेरी बातों पर विश्वास किया और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि घरों में बोलने लगे, उन प्रेमियों के घर से तकलीफें दूर होने लग गईं। जो लोग पूरा परिवार एक घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने लग गए, ध्यान भजन करने लग गए, लड़ाई झगड़ा खत्म, बीमारियों में कमी आ गई, बरकत भी होने लगी, भूत भी घर छोड़ने लग गए चिल्ला चिल्ला के, कि ये जब बोलते हैं तो हमारा कान का पर्दा फटने लगता है, अब मैं जा रहा हूँ, दूसरी जगह जा रहा हूँ। विश्वास की बात होती है, और पहले से बता रहा हूँ इनको बच्चियों को कि खाना जब बना लो और रात को जब तैयार हो जाए भोजन, तो परिवार में जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करो, और आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट कम से कम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो और बुलवाओ, तो सबको रट जाएगा, बच्चों को भी रट जाएगा। जो बच्चे कहने पर नहीं मानते हैं, जब उनको मालूम हो जाएगा कि जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलने के बाद ही खाना बटेगा, तो मजबूरन बोलेंगे। जैसे कुकर सीटी देगा, छुनमुन का ही में सब्जी होगी, तो इससे घर वालों का हाथ पकड़ करके लाने लगे, चलो काका जी, चलो दादा, चलो ध्वनि बोला जाए, जब मालूम हो जाएगा तो रट जाएगा। और रटना जरूरी है, रटी हुई चीज भूलती नहीं है। रामलीला हो रही थी तो हनुमान जी की हो गई तबीयत खराब, तो पाठ करते थे, तो लोगों ने कहा किसको बनाया जाए, तो एक आदमी ने कहा ओ हलवाई है मोटा तगड़ा, उसको बना दिया जाए। मैनेजर ने कहा वो क्या बोल पाएगा, क्या कह पाएगा, अरे बोले उसको सिखा दिया जाएगा, रिहर्सल करा दिया जाएगा, कर ले जाएगा। गए उसके पास, बोले तुमको हनुमान जी बनाना चाहते हैं रामलीला में। बहुत खुश हुआ अंदर अंदर, हनुमान जी बन जाऊंगा, मेरा फोटो खींच जाएगा, कैलेंडर छप जाएगा, घर घर में लग जाएगा, सुबह लोग उठेंगे मेरे पैर पर गिरेंगे, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाएंगे, अरे मैं तो भगवान हो जाऊंगा। लेकिन फिर सोचा कि सांच बराबर तप नहीं, कि झूठ बराबर पाप, तो पाप नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, और ना इनको धोखा दूंगा। अंदर अंदर सोचा इनको साफ साफ बात बताऊंगा, तो कहा देखो भाई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कुछ मैं वहाँ बोल नहीं पाऊंगा। लोगों ने कहा पढ़ाएंगे ना, तुम क्यों चिंता करते हो, चलो मेरे साथ, तुमको सब सिखा देंगे, रिहर्सल करा देंगे, तुम क्यों चिंता करते हो, फिक्र करते हो, चलो। ले गए, दिन भर पढ़ाए, दिन भर सिखाए, करके भी दिखाए, देख तुझको इसी तरह से बोलना है, इसी तरह करना है, उससे भी करवा के देखे, बोले बिल्कुल पास हो गया, ये कर ले जाएगा। लेकिन जब रात को वहाँ स्टेज पर पहुँचा और रावण को लाल आँखें किए हुए बैठे देखा, तो पैर कांप गए डर के मारे, सब भूल गया, वही याद रहा जो बचपन से याद रहा। और जब रावण ने डांटा
अरे बंदर, कौन है तू, क्या है तेरा नाम? सब कहता, सरकार की दुहाई, हम रामदास हलवाई। वही जो लिखाता पढ़ाता रहा, नाम शुरू से बोलता रहा, सब जगह वही याद रहा। तो प्रचार प्रेमियों करो तो रटा दो उनको। देखो नया वर्ष आ रहा है तो कुछ नई योजना आपकी लागू होनी चाहिए। शाकाहारी का प्रचार और जय गुरुदेव नाम का प्रचार इतना जोरों से करो कि पूरा जय गुरुदेव मय हो जाए और दुखी लोगों को फायदा होने लग जाए। और उनको ये बताओ कि डॉक्टर के पास जब जाते हैं इलाज कराने के लिए तो विश्वास के साथ जाते हैं और समय समय पर उनके बताई हुई दवा को खाते हैं तो तबीयत ठीक हो जाती है, मर चला जाता है। विद्यार्थी को बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल में ले जाते हैं तो विश्वास के साथ ले जाते हैं कि यह पढ़ लिख करके कलेक्टर कमिश्नर बन जाएगा, ये मास्टर हमारे बच्चे को पढ़ा ले जाएंगे। ऐसे ही करो विश्वास के साथ। आप जय गुरुदेव नाम का जाप करो, जय गुरुदेव नाम को आप बोलो, कोई भी हो कैसा भी हो, रात को सोने के लिए जाए बता दो जय गुरुदेव नाम बोलते बोलते फिर सो जाओ, लगातार करो। और शाकाहारी रहना, अगर नहीं भी शाकाहारी होगा तो धीरे धीरे जब बोलेगा तो उसको सद्बुद्धि आ जाएगी, समझ में आ जाएगा, मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। ये जो आप उपदेश करोगे, बताओगे, समझाओगे, उसके अंदर में जगह बनेगी। ये जरूर है कि आप समझाने लगोगे तो मांसाहारी शराबी होगा तो गाली आपको दे देगा, तो गाली देगा तो समझ लो काम हो रहा है। कैसे ये भी बता दें आपको, एक गिलास में दूध रख दो, एक गिलास में खून रख दो, एक गिलास में पानी रख दो और एक एक रुपए का सिक्का डालो तो पानी वाले में से पानी निकलेगा, दूध वाले में से दूध निकलेगा, खून वाले में से खून निकलेगा, सिक्का तो तीनों में जगह बनाएगा। अब जिसके अंदर जो चीज़ होगी वही तो निकलेगा, ऐसे उसके अंदर गंदगी भरी हुई तो निकलेगी। जगह यह जय गुरुदेव नाम अंदर जरूर बनाएगा। आप समझ लो कि जड़ यानी बीज पड़ जाएगा और किसी न किसी दिन वो अंकुरित हो जाएगा। देखो अभी बरसात जेठ का महीना आएगा गर्मी का, और उसके बाद फिर बरसात जब होगी तो जो खेत में जमीन में बीज पड़े हुए हैं वो सब अंकुरित हो जाएंगे। तो पहले ही बहुत से लोग बीज को डाल देते हैं और बरसात जब होती है तो पौधा तैयार हो जाता है। ऐसे ही आप बराबर प्रचार करो, एक अभियान चलाओ आप लोग कि जन जन तक जय गुरुदेव नाम का महत्व पहुंच जाए और शाकाहारी लोग बन जाएं, सदाचारी बन जाएं, आने वाले खराब समय से बच जाएं। तो देखो ये जय गुरुदेव नाम ये भगवान परमात्मा का नाम है, अब भी ताकत है इसमें, कुछ दिन ये नाम अभी रहेगा, ऐसे जाने वाला नहीं है। जब तक कोई दूसरे नाम के लिए आदेश नहीं होता है तब तक इस नाम में शक्ति रहेगी। जगाने वाले तो गुरु महाराज चले गए लेकिन जय गुरुदेव नाम में शक्ति है। तो यह हुआ वर्णात्मक नाम, और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम, वो आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। अब आप ये समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी आवाज़ होती है। तो आपका नाम है और आपका रूप है, रूप किसको कहते हैं, चेहरा को। आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है और आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो आवाज़ है। ऐसे ही पांच धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी आवाज़ है। तो वो मैं भी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। भीड़ बहुत ज़्यादा है, अगर सत्संग का कागज़ सत्संग के बाद नामदान का कागज न मिल पावे तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना। और यह हमारा आश्रम है, यहाँ पर बराबर लोग रहते हैं, आप जो नज़दीक के लोग हो आप यहाँ आकर के लिखवा लेना, ठीक से समझ लेना। सुबह शाम जब से यह आश्रम बना
तब से ध्यान भजन होता ही होता है। बहुत आश्रम बन गए, गुरु महाराज के जाने के बाद भी कई जगह पर आश्रम बन गए, और जहाँ जहाँ आश्रम बने सब जगह ध्यान भजन होता है। तो आप यहाँ भाई साथ में भी बैठ करके कर सकते हो, तो आप लिख लेना नाम रूप स्थान आवाज़, आप लिख लेना और लिख करके याद कर लेना, और जब याद हो जाए तो कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, और आप ये समझ लो कि ये नाराज हो जाए, आपका नुकसान हो जाए। तो न बताना न टेप करके सुनाना। दूसरी चीज़ आप और समझ लो कि आपको ध्यान लगाना अभी बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। जब आप ध्यान लगाओगे, आँख बंद करोगे, मन को रोकोगे और ऊपरी लोक में ये जीवात्मा जाएगी, स्वर्ग वैकुंठ में जाएगी, सूर्य चंद्र लोकों में जाएगी, वहाँ का नज़ारा वहाँ का दृश्य देखेगी, तो देख करके खुश हो जाएगी। और जब खुश हो जाएगी तो जीवात्मा ये किस में है, इसी शरीर में है, तो आँख कान मुँह से यह सब खुशी दिखाई पड़ने लगता है ना, खैर खून खांसी खुशी, और बैर प्रीत मद पान, और रहमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। तो जब खुश हो जाओगे तो हजम जल्दी नहीं कर पाओगे, बताने लग जाओगे। अब आपको रुपया मिल जाए, 10-20 करोड़ रुपया मिल जाए, और आप बता दोगे किसी को हमारे पास से मिल गया है, तो ले जाएगा कि नहीं, लूट करके खाली हाथ हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। ऐसे ही यह आत्मिक दौलत है, आध्यात्मिक दौलत है, इसको आपको छिपा के रखना है, और नहीं तो ये ले जाएंगे सुनने वाले, लूट जाएगा आपका। इसलिए कुछ भी दिखाई पड़े या सुनाई पड़े तो किसी को भी बताना मत, और अगर आप करोगे तो दिखाई सुनाई जरूर पड़ेगा। अब आप देखो इतनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, तो इनको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलता होगा। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के देवी आई हैं दूर दूर से। अब आप सोचो कि कोई किराए का आदमी इस तरह आ सकता है, और यहाँ पड़े हैं, यहाँ गर्मी ठंडी सब बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन मस्त हैं। कुछ भी मिल गया, मोटा छोटा भंडारे अपना खाए, मस्त हैं। तो आखिर जरूर कोई बात है। अब ऐसी बात अगर ना हो तो कोई क्यों आवे। आग के करीब आदमी जाता है तभी गर्मी का पता चलता है। आप जो नए लोग आए हो, मैं कहता हूँ बर्फ़ में ठंडी है, और बर्फ़ के ऊपर आपने हाथ नहीं रखा तो आपको क्या पता कैसा है, क्या है, ठंडा है कि गर्म है, क्या है। तो एक बात तो विश्वास करना ही पड़ता है, और जो ये काम करते हैं वो कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। और कोई भी आजकल देखो महात्मा काम का काम करने वाला, गुरु का काम करने वाला इस धरती पर जो आया, वो धोखा नहीं दिया किसी को। तो अब आप इस बात को समझो, धोखा तो यहाँ कुछ है ही नहीं इस काम में, विश्वास की बात है। विश्वास के साथ करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा, लेकिन इसको भी किसी को मत बताना। अब तीन चीज़ आप और समझो, सुमिरन ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं, माला जपने को सुमिरन कहते हैं। दूसरा है ध्यान, ध्यान आँख से देखने को कहते हैं। और तीसरा है भजन, भजन कान से सुनने को कहते हैं। सुमिरन ध्यान और भजन, सुमिरन माला जपने को, आँख से देखने को ध्यान, और भजन कान से सुनने को। यानी आप समझो वैसे भजन का मतलब होता है भगना। कहाँ से भगना, दुनिया की तरफ से, थोड़ी देर के लिए उधर जाना, उधर हमारे सुनंद जराया गोस्वामी जी ने कहा ना, उस तरफ जाना। तो अब आप ये समझो, और ध्यान का मतलब ये होता है कि ये जो सारी शक्तियाँ हैं मन की और चित्त की, ये जो अंदर में है जीवात्मा के यानी साथ, ये जो शक्तियों के साथ जुड़ी हैं, उनको खींचना और खींच करके लाना दोनों आँखों के बीच में, और वहाँ पर ताकत लगा करके देखना। उससे जो कर्म इकट्ठा है चतुर्संता कर्म, वो जब कट जाएंगे, जल जाएंगे, राख हो जाएंगे, तो रास्ता खुल जाएगा, तो दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा। लेकिन मोटे तौर से आप ये समझो कि देखना, आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, कान से सुनने को भजन कहते हैं। तीन चीज़ आप और समझो, तीन आँख तीन कान और तीन नाक। देखो दो आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, एक आँख अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। दो कान ये बाहर,
इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। एक कान अंदर जीवात्मा में, उससे अनहद वेदवाणी आकाशवाणी खुदाई आवाज़ साउंड जिसको कहते हो वो सुनाई पड़ता है। तीन आँख तीन कान और तीन नाक, एक सूरा के दाहिनी तरफ और एक के बाईं तरफ, यह है नाक। और जिसको नाक कहते हो तो दो नाले के ऊपर जैसे पुल बना दिया जाए, ऐसे बना दिया उसने, क्योंकि नाक ही खास चीज़ है चेहरे में, सुंदरता खत्म कर देती है अगर नाक चपटी हो तो। लड़के कहते हैं ना, नाक चपटी लड़की है, नहीं शादी करेंगे। लड़कियां भी फोटो देखते हैं, नो 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 बोलने लगती है, हमको शादी करनी नहीं। तो अब आप इस बात को समझो कि नाक ये शोभा है। कहते हैं ना कि लड़का बिगड़ गया, नालायक निकल गया, अरे बोले जाने दो, नाक का बाल निकल गया। और लड़की बिगड़ गई, अरे तब तो तुम्हारी नाक कट गई। तो नाक ही तो खास चीज़ होती है। तो एक सुराग दाहिनी तरफ और एक यह है बाईं तरफ, ये तो है नाक। इससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, और यानी ये बाहरी नाक से बाहरी बाहर की खुशबू मिलती है, और एक नाक है अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। और वो खुशबू जब मिल जाती है साधक मस्त हो जाता है। फिर तो आप समझो इस खुशबू के आगे, उस खुशबू के आगे यहाँ कोई खुशबू है ही नहीं। यहाँ तो जितनी चीज़ें हैं सब उसकी नकल हैं। ये आप समझ लो कि इधर अनिरंजन लोक से, आप सहरदल कमल से, इधर जितनी भी रचना हुई है और जितने भी स्थान हैं यह सब उसकी परछाई वाले हैं। ऊपर में आप ये समझो ये क्या है, ये पिंड है, ये शरीर पिंड है, यानी यहाँ मृतलोक में ये पिंड लोक कहलाया है। इसके बाद अंड लोक है, ये जो अनिश्चय लोक ब्रह्मा लोक ये सब अंड लोक कहलाते हैं। और फिर उसके बाद ब्रह्मांड लोक है, और फिर उसके बाद में वो अनामी धाम है, वो अपना लोक है, तो कई हैं ये। अब ये ऐसे कहने से नहीं समझ में आता है, जब आप देखोगे और वहाँ का दृश्य नज़ारा जब देखोगे, सुंदरता जब देखोगे, तब आपके समझ में आएगा। ऐसे नहीं आता है समझ में, ऐसे तो सुन लो किस्सा कहानी की तरह से। तो अब आप ये समझो, जैसे राम की कथा लोग कहते हैं, कृष्ण की कथा लोग कहते हैं, तो कथा तो सुन लेते हैं, मालूम रहता है कि पिता के आदेश पर राजगद्दी पर ठोकर मार करके चले गए थे, ये तो सुनते हैं। लेकिन पूजा क्यों हुई? इसीलिए हुई कि उन्होंने पिता के आदेश का पालन किया। जब लौट करके आए तो प्रजा का उन्होंने ध्यान रखा कि अन्य समझ लो एक धोबी जो कपड़ा धोने वाले होते हैं, उनके कहने पर, उनकी पत्नी के कहने पर, उन्होंने अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया था, इतना प्रजा का ध्यान रखते थे। तब तो उनको भगवान लोग कहने लगे। आप समझो ऐसे पराक्रमी को उन्होंने मारा कि जिसके सामने वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण सम्मुख धर काहुना धीरा, बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते थे, उसको उन्होंने मार गिराया। आप ये समझो कि वो मरा क्यों, उसका नाश क्यों हुआ? जब इस पर विचार करोगे तो उत्तम कुल पुलस्त का नाती, उत्तम कुल पुलस्त ऋषि का नाती था, सोने की लंका थी, चार वेद छह सात अठारह पुराण का जानकार था। राम भी दूसरे की शक्ति ले करके फिर उसको मार पाए थे, इतना ताकतवर वो था। लेकिन नाश उसका क्यों हुआ? मांस खाता था, शराब पीता था, और जब शराब पीता था तो दूसरी की औरत को गलत नज़र देखता था। ये तीन बुराइयों ने उसका सर्वनाश कर दिया। तो कथा तो मालूम हो जाता सुनने से, लेकिन नाश क्यों हुआ, पूजा क्यों हुई, यह समझने की ज़रूरत होती है। तो अब आप ये समझो कि तीन आँख तीन कान और तीन आँख तीन कान तीन नाक, और सुमिरन भजन तीन चीजें, और पांच नाम पांच रूप पांच स्थान पांच की आवाज़, ये मैंने आपको बतलाया। अब दूंगा नामदान, कौन सा नाम बताऊंगा? जो मीरा के गुरु रविदास ने मीरा को दिया, और मीरा ने कहा पायो रमने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुर कृपा करी अपनायो, तो नाम रूपी रत्न आपको मिलेगा।
दक्षिणा देने की परंपरा तो बहुत दिनों से चली आ रही है, तो वो हम कैसे खत्म करेंगे? दक्षिणा तो देना पड़ेगा आपको। तो दक्षिणा देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। जो भी आपने अभी तक मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म किया, अब बच्चे और बच्चियों मत करना। तौबा कर लो, कान पकड़ लो और उस मालिक से माफ़ी मांग लो कि जान में और अनजान में मेरे से जो गलती हो गई, भूल हो गई, उसके लिए आप क्षमा मांगता हूँ, क्षमा कर दीजिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कह दीजिए मेरे से उत्पात हो गया, अब आप बड़े हो, आप क्षमा कर दो। तो उसका नाम है दीन बंधु, दीनानाथ गरीब परवर। जब सब पर दया किया, सच्चे हृदय से वो जिसने उसको याद किया और गलती की माफ़ी मांगी, माफ़ किया, तो क्या आपकी माफ़ी नहीं मांगी, आपकी नहीं मंजूर होगी? क्या आप उसके सौतेले बेटा हो? आप भी उसी तरह के बेटे हो, लेकिन आप अपनी गलती को महसूस कर लो और अब दोबारा ना हो इसका संकल्प बना लो। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, क्योंकि चरित्रहीनता बहुत आती जा रही है और चरित्रहीनता यह नाश का कारण बनेगा और बनने लग गया ये। इसलिए चरित्र का सुधार बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी में एक कहावत है, मनी इज लॉस नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस समथिंग लॉस, बट करेक्टर इज लॉस एवरीथिंग लॉस। अगर धन चला जाए कोई बात नहीं, धन फिर कमा लेगा आदमी, और स्वास्थ्य खराब हो जाए तो समझ लो थोड़ा नुकसान हुआ है, और खाए पिएगा, दवा ले लेगा, फिर स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, वो फिर वापस नहीं आने वाला है। आप समझो ये क्या है, आभूषण है, ये शोभा है, किसका? स्त्री और पुरुष दोनों का है। इसलिए अपने को देखते रहो, परखते रहो, और जहाँ भी देखो चंचलता है, जिसके आँखों में चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उधर देखो ही नहीं, मुंडो वहाँ कतो को नहीं देखो। जिधर से खतरा होता है आदमी को, उधर आदमी जाता ही नहीं है। मधुमक्खियों के छत्ते जहाँ लगे रहते हैं, वहाँ उधर कोई जाता है? कहते बच्चों नहीं तो ये लग जाएंगी, जान ले लेंगी, जान का खतरा। तो अब आप ये समझो कि जान का खतरा, शरीर चला गया तो मरने से भी यानी वो ज़्यादा गिरा गुजरा हो गया। इसलिए विशेष ध्यान दो, बच्चे बच्चियों पर नज़र रखो। आप लोग 8-9 साल के बच्चे बच्चियाँ हो जाएं, कैसे उन पर ध्यान रखो। आपको ये कहने की नौबत ना आवे कि महाराज जी मेरा लड़का बिगड़ गया, मेरी लड़की बिगड़ गई और दया हो जाए, इसकी नौबत क्यों लाते हो, क्यों नहीं ध्यान देते हो? और बेटो बच्चे हैं सत्संगियों के, वो क्यों नहीं बिगड़े और तुम्हारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब वो बच्चे पढ़ लिख ले जाते हैं जो भजन करते हैं, मन को रोक करके पढ़ना भी रहता है और मन को रोक करके ध्यान भजन भी करना रहता है। तो मन का रुकना जब इसमें शुरू हो जाता है ध्यान भजन में, तो पढ़ाई में भी मन को रोक करके पढ़ लेते हैं। बच्चे सेवा भी करते हैं, भजन भी करते हैं, और समय निकाल करके जब उनको मालूम हो जाता है तरीका मन को रोक करके पढ़ करके और पास हो जाना है, तो 2 घंटे 4 घंटे 24 घंटे पढ़ लेते हैं और अच्छे नंबर ले आते हैं। और वो बच्चे नहीं बिगड़ते हैं कि जो भजन करते हैं, सेवा करते हैं, उनको अंदर से इस बात की प्रेरणा नहीं होती है कि तुम इस शरीर से ये काम करो, गलत काम, इसलिए वो बचे रहते हैं। तो देखो आपको और बाकी पूरी छूट है तो अच्छा खाओ, है अच्छा कपड़ा पहनो, है तो अच्छे मकान में रहो, आपको पूरी छूट है। लेकिन ये चीज़ें जो मना की गई, इनको जहर की तरह से समझो कि ये छुएंगे तो हमारे लिए जहर हो जाएगा जीवन का। और फिर आप भजन करने लग जाओगे तो देखना आप कितनी तरक्की करोगे भजन में। और नया वर्ष आ रहा है, हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि इस नए वर्ष में आप लोगों को भजन में बरकत मिले। तो देखो जो जो नाम मैं बोलूँगा आप सब लोग
बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप भी बोलना बंद कर देना। नए लोग नामदान ले लो और पुराने लोग दोहरा लो। जो पुराने नामदानी हो गुरु महाराज के, ये मत सोचना इनके मुँह से सुन लेंगे तो ये हमारे गुरु हो जाएंगे। आपका गुरु तो कभी बन ही नहीं सकता हूँ, आप तो समझ लो मैं दोहरा रहा हूँ। पहले भी गुरु महाराज दोहराते थे हमसे, अब उसके बाद उन्होंने आदेश दे दिया था, जाने से पहले ही आदेश दे दिया था कि ये नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे, दोनों काम करना पड़ा। नामदान देने से पहले भी गुरु महाराज ने कहा कि अब नामदान देना शुरू कर दो, क्योंकि घबराहट हो रही थी, कर्मों का लेना देना होता है इसमें, तो कहा अब इनको नामदान देना शुरू कर दो। नामदान देना अगर शुरू कर दोगे, ये भजन करने लगेंगे, तो इनको भजन करते करते शरीर भी छूट गया तो मनुष्य शरीर पा जाएंगे, क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ही मुश्किल होता है। तो नामदान आपको दूंगा, कोई भी आता सबको देता हूँ, 14 देशों में जा जा करके दिया हूँ, 14 देश में भी, देशों में भी। आप ये समझो कि थोड़े आदमी भी जहाँ रहते हैं, कमरे में भी बैठ करके नामदान दे दिया। क्यों दे देता हूँ? इसलिए किसी के ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, इस समय भरोसा नहीं है। घर से आदमी निकले, कोई गारंटी नहीं है शाम तक वापस आ जाएगा। मान लो अभी देर से आया, नहीं पूरी बात सुन पाया, नहीं समझ पाया भाषा, यानी नहीं समझ पाया, तो जब कोई समझा देगा तो करने लग जाएगा। और अगर किसी ने समझाया भी बाद में और नामदान देने वाले दूर निकल गए और तब तक समय पूरा हो गया, तो खाली हाथ चला जाएगा, खाली हाथ चला जाएगा। इसलिए नामदान दे देता हूँ, आप सबको दूंगा, किसी को खाली नहीं लौटाऊंगा। बैठो, पालथी मारो, जो जो नाम बोलूंगा आप सब लोग बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, फिर आपको समझाऊंगा। आप ये समझो कि कैसे भी मांगने वाले खाने वाले उतने भगाते रहते हैं लोग, लेकिन तो भी खड़े रहते हैं, लेकर ही जाते हैं। तो ऐसे ही आप देखो कि खाने की आदत बन गई और मीठा खाने की आदत बन गई, दुकान बंद है तो 2-2 किलोमीटर पैदल चले जाते खा के आते हैं। आप देखने की आदत बन गई, सिनेमा देखो, कोई चीज़ देखो, ऐसे बाजार में रूप रंग देखते हुए लोग देखने के लिए चले जाते हैं, तो रोज़ बाजार जाते हैं, घूमने जाते हैं, देखने के लिए आदत मन नहीं मानता है, बगैर देखे मन ही नहीं मानता है। गाना सुनने की आदत बन गई तो बगैर गाना सुने नींद नहीं आती कुछ लोगों की, मन उधर ही ले जाता है। तो मन यानी जो ले जाता है इंद्रियों की तरफ, उसी से संतों ने काम ले लिया, जो ये चलता रहता है एक जगह नहीं रुकता, उससे काम ले लिया और कहा कि उधर से अन्य ध्यान को हटा करके मन को इधर ले आओ, और मन जहाँ लग जाता है वहीं लग जाता है, जब इधर लग जाएगा तब अन्य इधर ही लग जाएगा। वो थे ना एक महात्मा जी थे, तो बाजार से होकर जा रहे थे, बढ़िया बढ़िया जलेबी बन रही थी गर्म गर्म, बोले मर जाऊँ मांगू नहीं, मांगू कैसे, मांगना तो हमको है नहीं, मांगेंगे तो उससे मांगेंगे जो सबको देता है। लेकिन बोले भाई अगर हमको कोई खिला भी देगा, इच्छा भी हम करेंगे तो हम उसका खाएंगे, तो हमको अपनी भजन भाव भक्ति में से देना पड़ेगा, तो मांगेंगे नहीं, चलो नहीं खाएंगे जलेबी। लेकिन हम मन लग गया जलेबी में। अब जब रास्ते में जा रहे थे वापस कुटिया की तरफ, तो मन लगा जलेबी में, घर पहुँचे जब वहाँ कुटिया में पहुँचे तो जलेबी जलेबी, रात को सोए तो सपने में जलेबी, सुबह उठे तो फिर जलेबी। बोले भाई तो क्या करें हम, चलो मजदूरी करेंगे, धूप तेज और दिन भर गए मजदूरी किए, और मजदूरी करने के बाद अब जलेबी नहीं, देखो मन लग गया उधर, जलेबी नहीं छोड़ रही है, समझिए मन से नहीं निकल रहा है। और मजदूरी करके और गए जलेबी खरीदे, और जलेबी खरीदे तो 1 रुपये में 3 शेयर मिलता था, उस समय सस्ता जमाना था, 3 किलो जिसको कहते हैं, और 1 रुपया का सब जलेबी खरीद लिए पूरा, और ले गए खूब खाए, कहे अब तूने मुझको परेशान किया, मन तुझको परेशान करूँगा। तो जब पेट भर गया तो फिर मन से कहा और खा, तो और खिला दिया, और फिर लगे उल्टी होने, जब
पेट भर गया, ज़्यादा हो गया तो उल्टी होने लग गई। फिर बोल रहे कि अब इसको भी खा दो, उल्टी को भी तू खा, ये सीधी सीधी जलेबी निकल रही इसको भी तू खा। तो बनवा से हट गया, कहा आप कभी जलेबी नहीं मांगेंगे, आप जलेबी कभी भी नहीं खाएंगे। तो इसकी एक आदत होती है मन की, कि जिधर चला जाता है उधर ही चला जाता है। तो कहा ना, मन के कहे करो मत कोई, और जो गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु का मतलब क्या होता है? जो ज्ञान देता है, सिखाता है, बताता है, रास्ता दिखाता है। तो जो अच्छा रास्ता दिखावे उसकी बात को मान लेना चाहिए। आदत डालो कि एक घंटा हमको बैठना ही बैठना है। तो शरीर को मन ही तो चलाता उठाता है, और जब दृढ़ कर राख शरीर, शरीर को नहीं उठने देंगे कितना भी तू कहेगा, लेकिन हमको तो एक घंटा बैठना ही बैठना है, तब यह हार जाएगा। कहते हैं ना, लड़का जब बात को नहीं मानता तब वो कहते हैं हम हार गए तुमसे, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। तो मन भी कह देगा शरीर से कि अब जो तेरा करना है तू कर बैठ गया, अब कब तक दौड़ेगा। घोड़ा थक जाता है, आदमी थक जाते हैं, इंजन रुक जाता है चलते चलते, तो थक जाएगा। मत सोचना कितने दिन से बैठ रहे हैं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। फिर आप देखो अपने को कि हमारे आँख से, कान से, मुँह से कहीं कोई पाप तो नहीं हो रहा है, कोई कर्म तो नहीं बन रहे हैं कि जिसकी वजह से हमको ये बाधा आ रही है। ना समझ में आवे तो पुराने साधकों के पास चले जाना, सत्संग में चले जाना, और वहाँ पर आपको अनिर्दोष उसको साधक समझते हो, अच्छा समझते हो, उनसे पूछ लेना। तो आप जब शरीर को रोक करके बैठने लगोगे तो धीरे धीरे भगते भगते यह मन रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा आँख की पुतलियों का हिलना बंद हो जाएगा, कोई चीज़ आएगी जाएगी, और कुछ समय के बाद वो भी चली जाएगी, और फिर निकल जाओगे। ऊपरी लोकों में देवता सब सामने दिखेंगे, जब देख लोगे तब विश्वास हो जाएगा। देखे बिन न हुए प्रतीति, अब इन प्रतीत हुए नहीं, मगर देखे विश्वास नहीं होता है। और जब देख लोगे तब प्रेम होगा, कोई किसी को देखता है तभी प्रेम होता है, और प्रेम से प्रकट हुए में जाना। प्रेम से जब कोई किसी को पुकारता है तो प्रेम में कोई क्या नहीं करता है किसके लिए, ऐसे ही वो दीन बंधु भी दया कर देगा, गरीब परवर गैर कर देगा। और दया के घाट पर जब बैठे रहोगे दया करेगा ही करेगा, दर्शन मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा तो उसी की बनाई हुई सारी खिलकत है, लोक भी बनेगा और ऊपर लोक भी बना देगा। तो बैठ जाओ, जरा सा 5-7 मिनट के लिए ध्यान पर बैठ जाओ। गुरु महाराज का फोटो उधर लगा है, वहाँ रोज होता है, शाम को घंटी बजती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो ध्यान भजन होता है, लेकिन आज घंटी नहीं बजेगी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपनी योजना बना लो, मीटिंग कर लो। अब यह साल का आज अंतिम दिन है, पूरे साल की आप लोग समीक्षा कर लो कि हमारा कितना काम हुआ, प्रचार प्रसार का, गुरु के नाम काम को हमने कितना बढ़ाया, उसकी समीक्षा कर लो, और कल की योजना बना लो नए साल की, आगे हमको कैसे करना है, क्या करना है, इसकी आप सब योजना बना लो। प्रचार प्रसार जोर शोर से होना चाहिए, और योजनाबद्ध तरीके से जब आप काम करोगे तब आप कामयाब हो जाओगे। आप कुछ प्रांत ऐसे हैं कि जिनमें अच्छी संगत है, सेवादार भी हैं, कुछ प्रांत अभी इंडिया में ही ऐसे हैं कि जहाँ अपनी संगतें कम हैं, हैं तो सब जगह हर प्रदेश में हैं लेकिन कम हैं, तो जहाँ कम हैं वहाँ भी आप लोग उनको प्रचार प्रसार करके, सहयोग करके प्रचार प्रसार करा दो, उनके यहाँ भी लोग बढ़ जाएं। तो जो जो संगत ऐसी हैं प्रदेश के जहाँ आदमी कम हैं, आप लोग इन लोगों से संपर्क कर लो और इनसे आदमी ले लो और आप लोग प्रचार करवा दो। जहाँ जिस तरह के प्रचार की जिस तरह से व्यवस्था हो सके उस तरह से प्रचार करवाओ, होल्डिंग लगवा दो, आप जगह जगह पर कैंप लगा करके प्रचार करो। मेला आते हैं, मेला में आप कैंप लगा दो, आप तीर्थ स्थानों पर कैंप लगा दो, आप होल्डिंग लगा दो, पर्चा बांट दो, सत्संग सुना दो, सभा कर दो, घर घर बैठ करके समझा दो, जहाँ जैसी परिस्थिति हो वैसा आप कर लो। तो आपस में आप राय मिला लो। देखो प्रेमियों, आप तन की सेवा अगर करोगे
और निर्मल मन सच्चे हृदय से करोगे, परमार्थ समझ करके करोगे, कोई स्वार्थ उसमें नहीं रहेगा, तो पैसे की कमी नहीं होने पाएगी। लक्ष्मी अच्छे काम में मददगार होती हैं, अच्छे काम में हमेशा वो पहले से ही सिर पर हाथ रखे रहती हैं, और जब आदमी निराश होने लगता है तुरंत व्यवस्था हो जाती है। मैं तो गुरु महाराज के साथ 40 साल से जुड़ा रहा, गुरु महाराज ने हमसे छोटा से छोटा लेकर बड़ा से बड़ा काम करवाया, कार्यक्रम करवाया, हमको बराबर इस चीज़ का अनुभव तभी से है। और इस समय पर तो उनके दया की बरसात हो रही है। लक्ष्मी ने प्रेमियों कह रखा है कि काम करिए, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। पैसे के बगैर आप ये मत सोचना निराश होना कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके पास आ जाए 10-20 लाख 50 लाख रुपया, तब आप घर से निकलो अंगड़ाते हुए, तो ऐसा नहीं होगा। चल पड़ोगे तो आपको, आपके लिए सारी व्यवस्था होगी, आगे मिलेगी। भूखे रहोगे रोटी भी देने वाला कोई मिल जाएगा, नींद की जगह नहीं मिलेगी कोई नींद देने वाला मिल जाएगा, जगह दे देगा आपको, आपके प्रचार प्रसार में भी मदद कर देगा। आप अपने भाव अच्छे रखना, भक्ति रखना। जब लोग देखते हैं चेहरे में चंचलता है, चाल ढाल में चंचलता है, बातों में झूठाई है, तब लोग विश्वास नहीं करते हैं। जब देखते हैं आदमी सच्चा है, अच्छे मिशन को लेकर चल रहा है, भाव अच्छे हैं, अच्छे काम के लिए लोग मददगार होते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं, भामा शाह ने खजाना खोल दिया, तो आप लोग मीटिंग करो, गोष्ठी करो, आज आपके लिए मौका है। कल सुबह सत्संग के बाद लोग जाने लगेंगे, तो आज शाम का ध्यान भजन का कार्यक्रम अपने हिसाब से आप लोग करना, बैठना जरूर। कुछ लोगों की तो आदत बन गई, मैं नहीं मानता, वो तो आएंगे बैठेंगे ही। रोज सुबह 4 बजे घंटी बजती थी, वो जो सुबह जल्दी उठते थे उनकी आदत बनी थी, आज देर में बजी तो भी वो बैठे रहे, उठ गए उसी टाइम। कल भी थोड़ा देर से बजेगी, जो नए लोग आए हैं जल्दी उठ नहीं पाएंगे तो देर से बजेगी, लेकिन वो आदत बन जाती है तो वो तो बैठेंगे ही। लेकिन आप जो नए लोग आए हो, आप लोग भी बैठना, तो ध्यान वहाँ देर तक यहाँ लगा लेना, ये टीन का जो शेड बना हुआ है। पहला था ध्यान, जो आप आसपास के लोग आए हो आप जा करके रात में ध्यान लगाना, और खूब लगाना। अब ध्यान आज से लगाना शुरू कर दो, यहाँ कहीं भी खाली बैठो वहीं ध्यान लगाओ। तो अभी तो मन नहीं कहेगा ध्यान लगाने को, अभी तो इधर उधर लगा हुआ है, लेकिन जब ध्यान लगाओगे और मन जब ये ऊपर जाएगा, ऊपरी लोगों का आनंद इसको मिलेगा, तो ये जो इंद्रियों के घाट पर बैठ करके रस ले रहा है, ये मन को तीखी मिर्ची की तरह लगेगा। यहाँ कहीं खाली बैठोगे वहीं मन कहेगा चलो अब ऊपर चलो, आनंद लिया जाए, खूब ध्यान लगवाएगा, खूब ध्यान लगाना। तो पहला था सुमिरन, दूसरा ये ध्यान, और तीसरा है भजन। भजन कहते हैं कान से सुनने को। कहा ना, बाहर का पट देख कर अंदर का पट खोल, पट माने होता है दरवाजा। तो ये मानो मंदिर है, इसमें आँख कान मुँह सब दरवाजा हैं। जब बाहर का दरवाजा बंद करोगे तब अंदर का द्वार खुलेगा। अंदर में दरवाजा है, अंदर में सुराख है, ये सुराख ही तो है, कान का नाक का ये सब सुराख है। ऐसे ही दसवां द्वार है। आप समझो आज्ञा चक्र जिसको कहा गया, पिंडी दसवां द्वार कहा गया, अंदर में वो खुलता है जब, तब आवाज़ पकड़ में आती है, तब वो रोशनी प्रकाश में जीवात्मा जाती है, तब तो वहाँ का आनंद मिलता है। तो अब आप ये समझो कि भजन यानी इस तरह से आपको करना रहेगा। तो बैठ जाओ थोड़ी देर, 5 मिनट, अभी यहाँ तो 5 मिनट बैठाएंगे, फिर रात में करना। प्रभु की एक प्रार्थना और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। प्रार्थना में बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा, लेकिन जो नए लोग आए हो, नाम ध्वनि के बारे में तो आपको बताया, लेकिन करना कैसे है आप समझ लो और दोहरा लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, इसी तरह से नाम धुनी बोलना है। अब एक प्रार्थना में बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, मोही दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, तड़प उठी अमान, दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बहार, सुरति भी गए अमीर सधार, तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सरा, अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट उम गाओ दया, स्वामी जे पिता हमार जल्दी पार किया, स्वामी जे पिता हमार जल्दी पार किया, जे गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो, प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, रहा पुकार पुकार में